Okay guys, so we are back. अब देख लो अब क्या ये प्रॉपर है भाई. ये ऐसा समय है ना, इसमें ना तो इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा मिलेगी, ठीक है. जो भी अवेलेबल है वैसे ही चलेगा. तो फिलहाल अब ये ठीक है मेरे ख्याल से, अब चलेगा. तो आप देख लो और सभी को शेयर कर दो ताकि वो ज्वाइन कर लें. स्टार्ट कब होगा? नाउ दिस इज ओके ना, एक बार कंफर्म कर दो. क्या अभी आप देख पा रहे हो गाइस? प्लीज कंफर्म. एक बार कंफर्म कर दो क्या आप देख पा रहे हो. सो गाइज वेलकम बैक. वेलकम बैक, वेलकम बैक. अभी बस शुरू होने वाला है. इंटरनेट की दिक्कत हो गई थी भाई. ओके फाइन, अब मेरे हिसाब से ठीक है. ओके सो ऑडियो वीडियो चेक कर लो प्रॉपर है कि नहीं. अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम कहाँ से हम शुरू कर रहे थे. चलो मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ, ठीक है. सो यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कि हम टेंथ में, टेंथ की बायोलॉजी नाइन्थ के कंपैरिजन में इजी है. क्या रीज़न है सर? पहली बात ये कि सर हमको सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से बात करनी है. सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से बात करनी है, बहुत आसान हो जाता है. एक आध कहीं पे अमीबा छोटा छोटा चीज़ आ जाएगा, अदरवाइज हमको और दूसरा बात एक्स्ट्रा करना नहीं. डिटेल में हमको प्लांट्स और ह्यूमंस का बात करना है, ठीक है. अच्छा, क्या होता है लाइफ प्रोसेस सर? मैंने अभी बताया, लाइफ प्रोसेस मतलब वो सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं और जो हमको जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑल दोज प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आर बॉडी एंड दैट आर एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल. यानी अगर ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में ना हो तो भाई हम जिंदा कैसे रहेंगे? प्लांट्स के अंदर भी कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो उनको जिंदा रखते हैं. सो ऑल दोज प्रोसेस आर कॉल्ड व्हाट? लाइफ प्रोसेस. बहुत सिंपल, अपने तरीके से लिख सकते हो आप. ऑल दोज प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल, ठीक है, विच आर टेकिंग प्लेस इन आर बॉडी, वो जरूरी है. मतलब कमाना खाना बाहर की बात नहीं हो रही. ऑल दोज प्रोसेस विच आर टेकिंग प्लेस इन आर बॉडी एंड विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है हमारे जिंदा रखने के लिए जरूरी है. ऑल प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कई सारे हैं, ठीक है. तो हम बेसिकली ऐसी प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं. ये दिलों का धड़कना, ये फेफड़ों का फड़कना, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमको देखना है. ये सभी चीज़ प्लांट्स और ह्यूमंस के हिसाब से बात होगी. यानी जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसमें भी प्लांट ह्यूमन ऐसे हम बात करेंगे, ठीक है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मैं बता रहा हूँ मेंटी का कैसे करना है. मैंने जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता दूँ कि मेंटी होने वाला है, डोंट वरी. कैसे होगा? टोटल 16 क्वेश्चन है, चार लाइफ प्रोसेस है हमारे पास. तो इसके चार, इसके चार, इसके चार, इसके चार, ठीक है. जैसे ही न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करके होगा तो चार क्वेश्चन मैं मेंटी का या क्विज का मैं आपको देने वाला हूँ न्यूट्रिशन के बाद. फिर अगले चार आएंगे रेस्पिरेशन के बाद एंड सो ऑन, ठीक है. सो यस, न्यूट्रिशन क्या है सर? द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. हम जो खाना खाते हैं, जिस तरीके से भी खाते हैं, ठीक है, जिससे हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. अच्छा, जो फूड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं. ओके, न्यूट्रिएंट भी कई सारे होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, बताया मैंने. अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बाकियों से अलग कैसे हैं? बिकॉज ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं. विटामिन, मिनरल ऐसा नहीं कि बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, दे आर वेरी एसेंशियल. इनफैक्ट विटामिन्स मतलब वाइटल अमाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स. अगर ना हो तो पंगा हो जाएगा, अगर हमारी बॉडी में ना हो तो दिक्कत हो जाएगी. ओके, सो दे आर बफरिंग हो रही है. आर यू श्योर? एक मिनट यार. No, I think the
स्ट्रीम इज ओके, यहां से कोई दिक्कत नहीं, आपका नेट का इशू हो सकता है. ओके फाइन, सो दैट इज एब्सोल्युटली गुड. ओके सो जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे अंदर, हमारी जो हम फूड जो कंज्यूम करते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये वो तीन न्यूट्रिएंट्स जिससे हमको एनर्जी मिलते हैं, और बाकी जो है एसेंशियल है बॉडी में, बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है. अच्छा ठीक है. सो अभी हम बेसिकली इन्हीं को कंसर्न करके बात करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, अभी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कई तरह के न्यूट्रिशन होते हैं. ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मेन है ना, मेन कैटेगरी है. ऑटोट्रॉफिक का मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, यहां पर ट्रॉफिक का मतलब है फूड सिंथेसाइजिंग, जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं सर, ये सिंपल है यार, ये देखो सॉइल से वाटर लेते हैं H2O, और हवा में से उनके स्टोमेटास के थ्रू क्या जा रहा है CO2. तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना. सो इनऑर्गेनिक वेरी वेरी माइन्यूट या वेरी सिंपल केमिकल्स को यूज करके ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. सो दैट इज ऑटोट्रॉफिक. हमको यही बात करनी है भैया, जो फोटोसिंथेसिस है वही डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर. तो याद रखना ऑटोट्रॉफिक में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे. और दूसरी बात क्या है, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दे डू नॉट, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. जैसे कि सैप्रोफाइटिक फंगस के बारे में आपने 9th में पढ़ा हुआ है, दे हैव दे फॉलो दिस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें वो डेड डिकिंग मैटर पे ग्रो करते हैं और उससे अपना फूड डिराइव करते हैं. पैरासाइटिक, ये कस्क्यूटा या अमरबेल, पैरासाइटिक क्या होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उनसे फूड डिराइव करते हैं बिना उनको मारे. जैसे मच्छर इज अ पैरासाइट, जू जो होता है वो पैरासाइट है, मतलब बिना हमको मारे हमसे फूड डिराइव करा हमारी बॉडी से, दैट इज अ पैरासाइटिक. सैप्रोफाइटिक डेड डिकिंग मैटर पे ग्रो करता है, पैरासाइटिक जो दूसरे होस्ट पे रहता है लेकिन बिना उसको मारे उससे फूड निकाल रहा है. और होलोजोइक में जैसे कि मैन, डॉग, अमीबा, ये क्या करते हैं, ये फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब, जो भी चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर होती है, अलग अलग चीज़ों को इंजेस्ट कर सकते हैं. सो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, अलग अलग चीज़ें खाना खाते हैं हम, और हमारी बॉडी में उसको डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर है. ओके सो वो हो गया. अब हमको, मैंने बताया हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस और हेटरोट्रॉफिक में, हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे तो ह्यूमंस में क्या पढ़ना है बेसिकली हमको, डाइजेशन. तो याद रखना कि न्यूट्रिशन में दो ही चीज बात करने वाले, पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होगा डाइजेशन इन ह्यूमंस. ठीक है, कुत्ता बिल्ली की बात नहीं कर रहे, ह्यूमंस की बात करेंगे हम. आगे बढ़ते हैं बच्चों. ओके सो पहला ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेसिस यहां पर पढ़ा जाएगा. फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ऑब्वियसली दे टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स. तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीजों को देखते रहो. ओके सो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट. ठीक है, थोड़ा लंबा जा सकता है लेक्चर, सो जस्ट ध्यान देते जाओ, चीजें यहीं पर क्लियर कर लेंगे. सिंथेसिस का मतलब है यहां पर, वैसे सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर होता है, वैसे यहां पर वो है फूड का प्रिपरेशन या फूड का प्रोडक्शन. सो लाइट को यूज करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है ये प्लांट. अब देखना क्या क्या चीजें यूज करता है ये. यस, सो ये सनलाइट को यूज करता है बहुत प्राइमरीली, और इसके अंदर अपने आप के अंदर क्लोरोफिल होता है. ठीक है, सो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये दो केमिकल्स को अब्सॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ये जो वाटर है यानी H2O. तो ये CO2 और H2O जैसे इनऑर्गेनिक सिंपल केमिकल्स को यूज करके एक फूड प्रिपेयर करता है. क्या बनाता है, C6H12O6, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्लूकोज ये तैयार करता है, C6H12O6, और साथ में ये ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है. तो बस वही चीज दिया है यहां पर कि ग्रीन प्लांट्स, मैं डेफिनेशन पे आता हूं, पहले ये देख लो, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं, CO2 और वाटर को यूज करते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं इस शुगर में, C6H12O6, ग्लूकोज कह लो, शुगर कह लो, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं. ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकला.
तो अब इसी को हमको डिफाइन करना है, इसी को यूज करके डेफिनेशन बना लेते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. वाह क्या सिंपल है ये चीज. वो प्रोसेस, वो तुम देखो अब इसमें चीजें ऐड कर सकते हो, द बायोलॉजिकल प्रोसेस या द बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है. सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अपने तरीके से डेफिनेशन लिखो, बस ये चीज समझ में आ जानी चाहिए. क्या है चीज? कि ये मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूं, फोटोसिंथेसिस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स CO2 और H2O का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं अलोंग विथ ऑक्सीजन. वाह सिंपल है. इसके बाद यहां देखो, अच्छा इसको बैलेंस भी कर सकते हैं सर. यहां सिक्स लिख दो, यहां सिक्स लिख दो, यहां पर सिक्स लिख दो, दिस इज बैलेंस्ड है ना, देख लेना बाद में. ओके स्टेप्स. अब हाँ ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं भाई कि ये जो इतना बड़ा जो हमने ये प्रोसेस लिख दिया एक बार में, ये एक बार में होता नहीं है एक्चुअली. ये पूरे स्टेप, कई सारे स्टेप्स है. वैसे हमको तीन मेन स्टेप्स हमको पढ़ने हैं, पहला दूसरा तीसरा. एग्जाम में मत लिखना पहला दूसरा तीसरा, बता रहा हूं क्या है. तो देखो सबसे पहले ना मैं यहां पर बताता हूं कि सबसे पहले जो ये लाइट जा रही है ना सनलाइट से जो वाटर लिया है ना यहां पर, वो वाटर को ब्रेक किया जाता है. तो H2O ब्रेक होता है और क्या निकलता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ठीक है. तो पहले सनलाइट से वाटर ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना, और जो CO2 है वो अब ऐड होगा. अब ये जो हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होगा और फाइनली ये चीज बनेगी C6H12O6. तो ये बात पहले ऐसे समझ लो. अब इसके स्टेप्स में कैसे लिखना है बता रहा हूं. सो फर्स्ट स्टेप है अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. तो सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है. फर्स्ट स्टेप अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. अब इससे जो जुड़ा हुआ दूसरा काम है क्या होगा, लाइट से वाटर ब्रेक होगा. वाटर ब्रेक, हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन. तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर होने वाला है, हाइड्रोलाइसिस होगा. ठीक है. सेकेंड स्टेप इसी जुड़ा हुआ है कि ये जो लाइट एनर्जी यूज किया उससे वो एक रिएक्शन करने वाला है, क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी से एक रिएक्शन करने वाला है. व्हाट इज दैट? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. यस वो तो बात ठीक है, उसी लाइट से एक रिएक्शन करने वाला, तो ये लाइन लिखनी जरूरी है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और वो क्या है, वो केमिकल एनर्जी मतलब क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो बेसिकली सेकेंड स्टेप यही है कि वो जो लाइट एनर्जी है, मैं यहां पर ऐसे दिखाता हूं कि वो लाइट एनर्जी यूज करके क्या हुआ कि वाटर ब्रेक हुआ इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये जो सनलाइट अब्सॉर्ब हुआ था उसी से ये काम हुआ है. सो याद रखना कि ये जो रिएक्शन है मैं इसको लिख सकता हूँ लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हुआ है. सो आई कॉल इट एज लाइट रिएक्शन. ठीक है. अच्छा इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ये क्या बात है सर, रिडक्शन कहाँ से आ गया? पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर, उसमें बताया गया रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सही है ना, रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां पर क्या होने वाला है आप खुद ही देखो ना, ये CO2 में जो हाइड्रोजन यहां अलग करके निकला है, ये जो हाइड्रोजन निकला है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया जाने वाला है. सो बेसिकली थर्ड स्टेप यही है, ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया प्लांट से, ये इसका यूज है ना, तो ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करके कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6. देखो फूड तैयार हो गया फाइनली. तो ये थर्ड स्टेप को मैं क्या कहूंगा कि मैंने कार्बोहाइड्रेट को क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. सो द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, बहुत सिंपल है. आप मतलब आप समझ लो क्या है, पहला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सेकेंड स्टेप क्या है, उस लाइट एनर्जी से एक रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और थर्ड स्टेप में जो उसमें हाइड्रो ऑक्सीजन तो हट गया, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन में ऐड होगा, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फाइनली फॉर्म दैट
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा ये दो देखो, सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में क्या फर्क है। सेकेंड रिएक्शन ना लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए मैं उसको लाइट रिएक्शन कह सकता हूँ, और जो थर्ड रिएक्शन है वो लाइट की एब्सेंस में हो रहा है तो मैं उसको डार्क रिएक्शन कह सकता हूँ, मतलब वहां पर लाइट की जरूरत नहीं है, सो दैट इज अ डार्क रिएक्शन, यू कैन कॉल इट एज, जो जिसमें लाइट चाहिए ही नहीं वो डार्क रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर समझ लो, ये आपने देखा हुआ है, देखा सा स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का है, क्लोरोप्लास्ट का। अच्छा क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, तो एक तो वो डबल मेम्ब्रेन होता है, देखो ये अंदर का मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये बाहर का मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, ये जो इकट्ठा जो यहाँ पर ये जो स्टैक दिखाई दे रहे हैं ये किस चीज़ के, क्या कहते हैं इसको, ग्रैनम, ठीक है, ग्रैना कह सकते हो, ग्रैनम या ग्रैना एक रहेगा तो ग्रैनम, ठीक है। अब ये कई सारे ग्रैना जो है ये आपस में जुड़े हैं, इस कनेक्शन को थैलाकॉइड बोलते हैं, सो दिस इज थैलाकॉइड। और ये जो अंदर जो जैसे सेल के अंदर प्लाज्मा होता है, वैसे इसके अंदर जो इसका प्लाज्मा है जो मीडियम है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा। तो याद रखना इसमें दो ही चीज़ होती है, ग्रैना और स्ट्रोमा। ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये किताबों में इतना डिटेल नहीं है, ठीक है। अच्छा जो ग्रैना है उसमें एक तरह का रिएक्शन होता है और जो स्ट्रोमा है उसमें एक दूसरे तरह का रिएक्शन होता है। मैंने अभी बताया कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, वाटर का ब्रेक होना लाइट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डार्क रिएक्शन। देखो ग्रैना के अंदर होता है लाइट रिएक्शन, मतलब हाइड्रोलिसिस यहीं पर होता होगा, वाटर का ब्रेक होना, और यहां पर होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है गाइस। ओके आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यस अब आ गया अपने पास, अब आ गया, अब यहां पर एक बार बता दो सब चीजें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, इज एवरीथिंग ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि क्रिस्टल क्लियर, जल्दी बताना तो उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इज इट क्लियर और इट इज क्रिस्टल क्लियर, बस इसके बाद मेंटी आएगा, डोंट वरी गाइस, सही है, सब बढ़िया है, ऑडियो प्रॉब्लम इस एंड से नहीं है बेटा, मतलब आपके एंड से हो सकता है, यस क्रिस्टल क्लियर, बस सही है, बस यही सुनना था भाई। और देखो कोई भी लाइव होगा उसके लिए मैं एक चीज बता देता हूं, जब लाइव सेशन अनाउंस हुआ है तो आप पहले थोड़ा सा उसको प्रिपेयर कर लो उस चैप्टर को, भले अगर आपको एक घंटा भी टाइम मिल रहा थोड़ा देख लो घुमा फिरा के, या रिकॉर्डेड सेशन देख लो, दैट विल बी बेस्ट, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये चैप्टर बड़ा है, देखो ये चैप्टर इतना बड़ा है कि हम एक बार में जितने हम समय में करेंगे एक डेढ़ घंटा जो भी टाइम लगेगा, इतना छोटा चैप्टर नहीं है, तो अभी से थोड़ा फास्ट जाऊंगा इसके अंदर मैं। ओके चलो आगे देखते हैं। सो पहले हमने न्यूट्रिशन के अंदर कौन सा कर लिया, ऑटोट्रॉफिक कर लिया, अब हेटरोट्रॉफिक पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक में मैंने बताया हमको सीधे डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की बात करनी है, तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम देख सकते हो, ये अपना एलिमेंट्री कैनल कह लो या डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, क्या क्या पार्ट्स हैं वो देख लो। तो इसके अंदर है ये माउथ जिसको कहते हैं बक्कल कैविटी, अच्छा इसी के अंदर टंग या टीथ सब सिस्टम यहीं पर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा माउथ से आगे फूड कहाँ पर जाता है, फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप, फूड पाइप यानी क्या, ईसोफेगस, ठीक है। अच्छा फूड उसके बाद जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो यहां पर बना हुआ ना कॉइल्ड पूरा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फाइनली जाता है ये वाले सिस्टम में, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद अब लगभग वो वेस्ट हो जाता है, तो वेस्ट यहां से एनस के थ्रू एक्सपेल कर दिया जाता है। पहली बात तो ये समझ लो कि हम जो खाना खाते हैं उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं, इंजेशन, सो इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, और जब वो प्रोसेस हो रहा है ना पूरा यहां पर, मैं उसको नाम देता हूं डाइजेशन, इंजेशन डाइजेशन, और जो यहां से वेस्ट निकलता है ना पूरा, दैट इज इजेशन, एक्सपेल हो रहा है उसको इजेशन, इन डाई ई, इंजेशन डाइजेशन इजेशन। ओके सो अब यहां पर हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती है और बेसिकली डाइजेशन में हम अचीव क्या करते हैं, तो ये बात समझना कि मैंने बताया हमारे फूड में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक मिनट फाइन, सो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है, हमारे फूड में प्रोटीन है और फैट है, मतलब जिसको हमको जो एनर्जी देने वाले वो तीन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट बताया मैंने। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये प्रोटीन जो है, ये फैट जो है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मतलब सेल के पास सीधे नहीं भेजा जा सकता, सीधे एनर्जी नहीं निकल सकता इससे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, प्रोटीन को सिंप्लीफाई किया जाएगा
अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड में, और फैट को सिंप्लीफाई किया जाएगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, सो मतलब डाइजेशन में बेसिकली यही होने वाला है। डाइजेशन का मतलब फूड से एनर्जी निकालना नहीं है, वो रेस्पिरेशन में होता है वो आगे का। ठीक है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन प्रोसेस की। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है, इसमें बस एक ही बात याद रखना, इसमें होने वाला है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी देने वाले हैं। ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स का सिंप्लीफाई होना इस बेसिकली जो हम यहां पर अचीव करेंगे, फिर वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, फैट कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में। और ये होने के लिए बॉडी के अंदर कुछ तो केमिकल चाहिए जो इसको अच्छे से कर सके, तो वो केमिकल कौन है, वो केमिकल है एंजाइम। याद रखना कि ये सब किसकी प्रेजेंस में होगा, ये सब प्रेजेंस में होगा एंजाइम के। आपने नाइन्थ में अगर पढ़ा है तो पता होगा एंजाइम का मतलब बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के प्रोसेस को फास्ट कराते हैं, रिएक्शंस को फास्ट कराते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। सो डाइजेशन में क्या करने वाले हैं, पहले क्लियर कर लो कि हमने जो खाना खाया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, दे आर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, उसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज डाइजेशन है। ठीक है, अब यहां पर सिंप्लीफाई का मतलब कार्बोहाइड्रेट बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन बनेगा सिंपल अमाइनो एसिड, और फैट बनेगा फैटी एसिड। ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन होगा किसकी प्रेजेंस में, कई सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होंगे। अब जितने एंजाइम्स है ना, मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। देखो, ये एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम पेप्सिन, ये एक एंजाइम ट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम लाइपेज। अब देखना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला ये एंजाइम है, सो दिस सलाइवरी अमाइलेज विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा इंटू ग्लूकोज। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पेप्सिन जो हमारे सिस्टम का जो एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड। जो ट्रिप्सिन है, देखो पेप्सिन जैसा ही नाम है उसका, सिन सिन दोनों का सरनेम पाप है, तो यहां पर वही काम होगा, जो बचे हुए प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अमाइनो एसिड। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन का तो एक ही काम हो गया। सलाइवरी अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाना, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन और ट्रिप्सिन का है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और लाइपेज में एक वर्ड छुपा है, लाइप लिपिड, लिपिड का मतलब होता है फैट। तो ये किसको, ये कैसा एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करेगा इंटू फैटी एसिड। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि हमारे सिस्टम में ये काम होंगे, ये सारे एंजाइम्स ये डाइजेशन करने वाले हैं। बट उसमें क्या क्या डिफिकल्टी है, क्या क्या चीजें और है, वो हमको यहां समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना अब। तो देखो, पहले तो हम जब खाना खाते हैं, यहां से जब हम ठूसते हैं तो क्या क्या चीजें कैसे होती, सबसे पहले तो दांत जो है, अलग अलग टाइप के दांत है, कटिंग टीथ, टीयरिंग टीथ, ब्रेकिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ, इनसाइसर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, है ना, ये चार टाइप के दांत है। सो ये जो दांत है ये क्या करते हैं, फूड को चेप देते हैं, पूरा पीस देते हैं छोटे पीसेस में। अच्छा, उसके बाद माउथ में और क्या होता है, माउथ में जो क्या है, इनर लाइनिंग में सलाइवरी ग्लैंड है। नाउ आई एम नॉट राइटिंग, सुनते जाओ, किताब में है आपके। सो माउथ के इनर लाइनिंग में सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक चीज सेक्रेट करता है, सलाइवा, थलाइवा नहीं, सलाइवा। और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है ये सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाता है। तो ये बात को दिमाग में बिठा लो कि डाइजेशन पेट में शुरू नहीं होता, डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से, स्टार्च का डाइजेशन यहीं से, माउथ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी तक ब्लड में नहीं गया, बस सिंप्लीफाई हुआ है वो, फिर आगे जाएगा यहां से, यानी कि ईसोफेगस से। अच्छा, ईसोफेगस से जब ये जाएगा, यहां से जब ये जाएगा तो खुद थोड़ी जाएगा, उसको थोड़ी ना पहिए लगे कि वो जाएगा, चक्का थोड़ी लगा है उसमें।
तो यहां पर इसके जो वॉल्स है ये सब कैसे, टिश्यू जो है ये कैसा है, ये मस्कुलर एक्शन करता है, ये दबता है बेसिकली, ऐसा ऐसे दब जाएगा जहां भी फूड है, तो फूड आगे पुश होगा बाय दिस मूवमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। याद रखना ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस कह दो या पेरिस्टाल्टिक मोशन कर दो, जिसकी वजह से सो ईसोफेगस में फूड आगे शिफ्ट कैसे हो रहा है, स्टमक की तरफ कैसे जा रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। ओके, अब यहां पर कुछ नहीं, कुछ खास नहीं होगा, बस फूड आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा और आएगा स्टमक के पास, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर तीन चीजें सेक्रेट होती है, देखना यहां पर स्टमक के इनर लाइनिंग में, मैं इधर लिखता हूं इसका, ओके स्टमक का यहां लिख रहा हूं, बस थोड़ा जगह की कमी की वजह से। ओके, सो स्टमक के इनर लाइनिंग में, अंदर की लाइनिंग में, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गैस करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो तीन गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपको पता है ग्लैंड्स का सेक्रेशन का काम होता है, कुछ ना कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दूसरा पेप्सिन जो मैंने यहां दिखा दिया पेप्सिन, ठीक है, और तीसरा है म्यूकस, ठीक है। तो याद रखना स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इनर लाइनिंग में, वो तीन गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन, ये तीन चीज सेक्रेट करते हैं। सर क्यों, ये तो समझ में आता है पेप्सिन डाइजेशन का काम करता है, पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, इतना खतरनाक एसिड पेट में क्या कर रहा है, और ये म्यूकस का क्या काम है? तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन का तो हमको पता है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा यानी प्रोटीन को अमाइनो एसिड बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इट मेक्स द फूड एसिडिक, ठीक है। हमारे स्टमक में जो HCl सेक्रेट होता है, HCl वो क्या करता है, वो फूड को एसिडिक बनाता है। सर फूड को एसिडिक क्यों बनाना है, क्योंकि प्रोटीन तभी अच्छे से काम कर पाता है, प्रोटीन तभी अच्छे से काम कर पाता है जब फूड कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। सो आई विल सिंपली से दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक, HCl का फंक्शन क्या है स्टमक के अंदर, इट मेक्स द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा ये हो गया, HCl का काम समझ में आ गया, अब म्यूकस का क्या काम है, मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि HCl इज अ खतरनाक एसिड, कॉन्सेंट्रेटर, खतरनाक है ना ये, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब HCl से बचाने के लिए स्टमक में कुछ तो होना चाहिए, तो म्यूकस ऐसा केमिकल है जो स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्श एक्शन ऑफ HCl, ठीक है। अच्छा ये हो गया, HCl फूड को एसिडिक बनाता है ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके, पेप्सिन करेगा वो काम, और म्यूकस क्या करेगा, HCl से बचाएगा पूरे सिस्टम को, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्टमक से अब ये कहां जा रहा है, फूड यहां से तो निकल गया, अब जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ये वाली सिस्टम में, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा एकदम गोची है ऐसा। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना ये डायग्राम आना चाहिए आपको, प्रैक्टिस कर लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले एक बात तो समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड का मैक्सिमम डाइजेशन, या कह सकते हो ऑलमोस्ट ऑल द डाइजेशन पूरा कहां पर होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इट इज कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी मैं यहां बताता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, सपोज ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप ये जा रही है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो ये एक बड़ा सा ग्लैंड कनेक्टेड है जिसको हम लीवर कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर लीवर, ये जो ब्रेड पकौड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, ओके। और एक और चीज है जो वहां पर प्रेजेंट है ये साइड में, देखो दिस इज पैंक्रियास, ठीक है। तो यानी लीवर से एक पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, पैंक्रियास से एक पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, और स्टमक से फूड तो आ ही रहा है, ठीक है। तो फूड तो आया स्टमक से, अब इसके बाद पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूसेस आए, पीजे, पैंक्रियाटिक जूसेस कौन से है, देखो पैंक्रियाटिक जूसेस ट्रिप्सिन और लाइपेज, मैं लिख देता हूं, ये आया हुआ है आपके पैंक्रियास से। पैंक्रियाटिक जूसेस कहां से आए हैं, पैंक्रियास से आए हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अच्छा लीवर से क्या गया है, लीवर से बाइल जूस और बाइल सॉल्ट,
देखो ये लीवर ने ये सेक्रेट किया, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। पैंक्रियास से आया है पैंक्रियाटिक जूसेस यानी ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन लाइपेज का काम क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। अच्छा तो ये लीवर क्या करेगा, ये बाइल जूस बाइल सॉल्ट का क्या काम है वो देखो। देखो ट्रिप्सिन को और लाइपेज को प्रॉपर डाइजेशन कर सके वो, उसके लिए फूड, अब जरूरी है कि फूड कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन। सो दिस बाइल जूस इसका काम क्या है, ये फूड को बनाता है अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है सर, जैसे एसिडिक होना एक नेचर है, वैसे एसिड का अपोजिट होता है बेस, है ना। तो बेस में ही एक नेचर है अल्कलाइन, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है, ये पढ़ोगे आप एसिड बेस में। तो सर ये फिलहाल इतना समझो कि स्टमक में फूड एसिडिक था क्योंकि वहां वो जरूरत थी, अब यहां पर पैंक्रियाटिक जूसेस चाहते हैं कि फूड कैसा हो, अल्कलाइन हो, तो इसके लिए बाइल जूस जो है इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। ओके, बाइल सॉल्ट क्या करता है वो देख लो। तो देखो बाइल सॉल्ट का काम ये है कि जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स आए हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो उनको पीस छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, ये काम है बाइल सॉल्ट का। और इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट कौन करने वाला है, जो पैंक्रियाटिक जूस है लाइपेज, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा इनटू फैटी एसिड, पर ये तभी सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा जब फैट छोटे छोटे पीसेस में है। ये बड़े बड़े पीसेस रहेंगे, इतना बड़ा तो नहीं होता, पर बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, सही तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएगा। सो बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ब्रेकिंग लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, ये काम हो गया। अच्छा और बाकी और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब काम एक और चीज जो होगा वो है अब्सॉर्प्शन। अब ऐसा क्यों है सर, ऐसा प्रोजेक्शन क्यों, नॉर्मल प्लेन सीधे होता तो क्या दिक्कत होती। तो यहां पर इसके अंदर के लाइनिंग में देखो काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, विलीज के अंदर की तरफ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स का काम क्या है, अब्सॉर्प्शन करना। तो जो भी फूड है यानी जो भी ग्लूकोज बना है, अमाइनो एसिड बना हुआ है और जो फैटी एसिड बना है वो वेस्ट ना हो जाए, ठीक है, इसको क्योंकि अब एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है तो सेल के पास भेजना पड़ेगा, तो ये वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि ये मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन कर सके। तो अब्सॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, अब्सॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए अगर ये स्ट्रेट होता तो अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, ऐसा है तो मैक्सिमम, देखो यहां से भी अब्सॉर्ब होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, तो यानी मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, इससे सिंपल सी बात है, इससे क्या हो रहा है, ऐसा होने से सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, जिससे फाइनली क्या होगा, मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन हो सकेगा, यानी जो भी चीजें डाइजेस्ट हुई है वो सही तरीके से अब्सॉर्ब हो सकेगा। ओके, तो अब्सॉर्प्शन मैक्सिमाइज हो गया, और क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब अब्सॉर्प्शन भी हो गया, अब क्या है, तो अब इसके बाद जो लगभग अब वेस्ट है, थोड़ी बहुत मतलब वाटर यूजफुल है उसके अंदर, बाकी मोस्टली वेस्ट है, तो अब जो वेस्ट है वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट है वो वहां पर भी रिलीज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं जो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि सारा वाटर, पाउडर नहीं निकालना, ठीक है, तो मोर वाटर इज अब्सॉर्ब्ड हियर, बॉडी में वाटर की जरूरत होती है, और बाकी जो वेस्ट है वो यहां से एनस से थ्रो कर दिया जाएगा, बाकी जो वेस्ट है वो एनस से थ्रो कर दिया जाएगा। अब एक बात समझना कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लगभग 1.5 मीटर, डेढ़ मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर और 6.5 मीटर, राइट, 6 मीटर, ठीक है, 6.5 मीटर। तो यहां पर आप देखो लार्ज इंटेस्टाइन डेढ़ मीटर का इतना करीब, इतना हो गया इतना, और स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ये विड्थ की वजह से, मोटाई जो है देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पतला है और लार्ज इंटेस्टाइन देखो मोटा है, इसलिए उसको लार्ज कहा गया, अदरवाइज लेंथ में तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही बड़ा है। अच्छा एक और बात, जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, गाय बैल जो है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ और ज्यादा होता है बड़ा, क्यों, क्योंकि वो घास डाइजेस्ट करते हैं, घास के अंदर सेलुलोज होता है बहुत कठिन तरीके से, वो इतनी इजीली अब्सॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता बेसिकली, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, ग्रास को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स का लंबा होता है रिलेटिवली, और कार्निवोर्स
जो शेर हैं, जो फ्लैश खाते हैं, वो तो सेलुलोज नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है. कार्निवोर्स का छोटा है क्योंकि वो क्या ग्रास या सेलुलोज इंजेस्ट नहीं कर रहे वो लोग. ठीक है. अच्छा, एक और बात, ये अपेंडिक्स का क्या काम है सर? ये जो इस तरफ ये से लटका हुआ, ये अपेंडिक्स का क्या काम है? ये अभी हमारी लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जब वो रॉ फूड कंज्यूम करते थे, कच्चा खाना खाते थे, उस टाइम पे डाइजेशन के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम चाहिए थे, तो उस टाइम पे अपेंडिक्स का रोल हुआ करता था. वो बड़ा भी था. अब वो धीरे 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 श्रिंक हो रहा है, विलुप्त हो रहा है. और ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, VES आगे लिख दो आप. तो वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स. ओके, अब इसके बाद देखते हैं भाई, ये तो हो गया. देखो यहां पर मेंटी आने वाला है गाइस, मेंटी आने वाला है. सो फाइव प्रोसेस इन डाइजेशन, जो हम प्रोसेस न्यूट्रिशन यहां जो हम देख रहे हैं अपना, फाइव प्रोसेस है. इंजेशन, इंजेशन का मतलब खाना बॉडी के अंदर भेजना. टेकिंग इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन. इंजेशन की बात होता है डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटू सिंपल. कार्बोहाइड्रेट बना ग्लूकोज, प्रोटीन बना अमाइनो एसिड, और फैट बना फैटी एसिड. ये है अपना डाइजेशन. फिर उसके बाद क्या होता है? अब्सॉर्प्शन. मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ये चीजें हैं वो विलीज के थ्रू अब्सॉर्ब होती है, वो हो गया अब्सॉर्प्शन. फिर उसके बाद है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जो फूड अब्सॉर्ब हुआ है उससे एनर्जी निकलेगी. कहां पर? ये होगा सेल के अंदर, ये हम रेस्पिरेशन में देखेंगे, वहां पर एनर्जी निकलेगी. और इजेशन, जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट जो रिमूव करते हैं हम, दैट इज इजेशन. अब गाइज यहां पर अमीबा का भी देख लो, ये छोटा सा सिस्टम है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं. ये फूड है, इसने अपने सूडोपोडिया का इस्तेमाल करके उसको, उससे एनर्जी ऑब्टेन कर ली. दैट इज वेरी सिंपल, ये बताने की जरूरत नहीं. अब रेस्पिरेशन आ गया, तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन मेंटी करने वाले हैं भाई. सो यस, नाउ लेट्स मूव टू द मेंटी वाला पार्ट. किधर गया? यस, इधर है. चार क्वेश्चंस करेंगे गाइस, फटाफट ज्वाइन कर जाओ. कम ऑन, फटाफट देख लो कोड क्या है. कोड इज 677523. फटाफट, जल्दी जल्दी 677523. यस, छह बच्चे, आठ बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए. चलो देख लेते हैं, यहां पर तो मेरे को काउंट नहीं दिख रहा, इधर दिख जाएगा अटेंडेंस. ओके, सो द मेंटी कोड फॉर फोर क्वेश्चन, जो अभी हम चार क्वेश्चन करने वाले, इस न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ. ठीक है, यस, दैट इज 677523. कैसे ज्वाइन करना है? बस एक नया टैब ओपन करो, उसमें टाइप करो www.menti.com. ठीक है, तो अपना फोन उठाओ या फिर लैपटॉप या जिसमें भी टाइप करो, ब्राउजर में टाइप करो www.menti.com और यहां पर अपना कोड डाल दो. कोड क्या है? 677523. 677523. ओके, सो फटाफट बच्चे जुड़ जाएं. तब तक मैं यहां पर देख लेता हूं भाई कैसे चल रहा है सब. फटाफट ज्वाइन कर जाओ. क्या सब जुड़ चुके हैं? फटाफट ज्वाइन कर दो गाइस. ओ गो डाउन. यस, नाउ आई कैन सी ऑल दोज कमेंट्स. चलो ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई. चलो और स्टार्ट कर देते हैं. यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. और कितने लोग हैं? ओहो, 600, क्या बात है, ग्रेट, सही है, कमाल है, बढ़ता जा रहा नंबर. थोड़ा और रुक जाते हैं. कम ऑन, ज्वाइन फास्ट.
सब तो मैं नाम पढ़ लूँ यार, ब्रिज, सौरभ, लक्की, हेलो गाइस, विष्णु, अंबिका, रंजीत, लकी एम, स्वास्तिक, रुचि, ओहो अब तो भाग रहा, संकल्प, विष्णु, ओके सो शुरू करते हैं गाइस, ये नंबर बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कब जाके रुकेगा। ओके सो वी हैव नाउ 600, यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इतने बच्चे हैं, 682 700 हो जाएगा अभी 700 स्टूडेंट्स। ओके सो इसी के साथ हम शुरू कर देते हैं अपना, चार क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले और कम ऑन लेट्स स्टार्ट। टंटणा बी रेडी, स्टार्ट द क्विज। मजा आ रहा है कि नहीं बता देना यहां पर कमेंट में। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो चार क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेस्ड है न्यूट्रिशन पे बेस्ड। विच इज द फाइनल स्टेप इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कौन सा फाइनल स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। फाइनल स्टेप बताना है फोटोसिंथेसिस का, आखिरी स्टेप कौन सा होता है। ओहो हो, मतलब 620 में से क्या बात है, 417 बच्चे सही है, क्या बात है। तो पहला स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन होना। और तीसरा स्टेप होता है CO2 में H2 हाइड्रोजन ऐड होता है ना, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम भाई, कमाल है। मतलब स्कूल शुरू नहीं हुआ कि आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, दैट इज ग्रेट। अगला देखते हैं, रिमोट होने के बाद भी मैं वहां टाइप करूँ, गलत बात है ये तो, बहुत गलत बात है। अच्छा विच इज द गैस्ट्रिक जूस, कौन सा यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस या ऑल ऑफ द अबव। और क्या बात है, क्या धड़ाधड़ आंसर मिल रहे हैं बच्चे लोग, देखो अभी 6 सेकंड बचे और करीब करीब 600 लोगों ने आंसर कर दिया, 600 क्या 650 लोगों ने आंसर कर दिया है, और आउट ऑफ 673 365 आर करेक्ट। जिसने ये लिखा है ना 175, वो जल्दबाजी में किया, आपने सारे देखे नहीं, ये सब गैस्ट्रिक जूस है, सब स्टमक का जो इनर लाइनिंग है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, वो HCl भी सेक्रेट करता है, पेप्सिन और म्यूकस, इनफैक्ट ये तीनों गैस्ट्रिक जूसेस हैं। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, क्या बात है। फाइन अगला देखते हैं, अगला यस विच इज लॉन्गर, ये क्या बात है, विच इज लॉन्गर का क्या मतलब होता है। सो वी हैव 700 बच्चे कनेक्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ, या फिर नन, कौन सा लंबा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों में से एक बताना, बहुत सिंपल है। दिस इज वेरी 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 सिंपल, यस सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर। और मेरे ख्याल से अब जो सवाल होगा वो आखिरी न्यूट्रिशन का आखिरी है, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन आएगा, उसके बाद हम देखेंगे। वाह 682 में से सभी ने, मतलब लगभग सभी ने बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, यहां लेंथ लिख सकते हो आप, कितना है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, लार्ज इंटेस्टाइन तो 1.5 मीटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है बच्चा, लोग जल्दी बता दो यार। और चलो मैं चलो अगला सवाल देख लेता हूं, उसके बाद आप टाइप तो करते रहना। ओके सो वी हैव 705 बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, कौन सा यहां पर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ट्रिप्सिन है कि पेप्सिन है कि सलाइवरी अमाइलेज है, या फिर बोथ ए एंड बी। अगेन यहां पर भी जल्दबाजी की है, मतलब कुछ बच्चों ने किया होगा मेरे ख्याल से, यस किया है। नाउ गाइज पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, सो द आंसर इज डी। 326 बच्चे आउट ऑफ 686 आर ऑसम, ग्रेट, सब है यार सब है, ठीक है। बस मैं ये कहूंगा कि आप जल्दी मत देखा करो, चारों ऑप्शंस को देखने के बाद ही आगे बढ़ा करो। अब सर कौन आगे कौन पीछे है वो तो आप देख सकते हो अपने अपनी पोजीशंस, आपके कितने सही कितने गलत, अभी ये सब का रिजल्ट आएगा एंड में, जब हम इसके बाद वाला प्रोसेस, यानी कि कौन सा प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन है वो देख लेते हैं। कमिंग बैक, ओके सो करंट स्लाइड, ओके सो रेस्पिरेशन गाइज, रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं भाई, जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, उसमें कौन कंजूसी करता है इसे, हैं चलो आगे देखते हैं।
रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? दो चीजें हैं यहां पर। सबसे मेन एम है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स गए हुए हैं ना, न्यूट्रिएंट्स, मैं मेनली फॉर्मूला लिख देता हूं कि C6H12O6, ये जो हमने फूड से, जो न्यूट्रिशन प्रोसेस से हासिल किया है, अब इसको ऑक्सीजन देना। आई एम मेकिंग इट सिंपल, थोड़ा ध्यान से देखो, चीजें समझ में आ जाएगी कि हम इससे एनर्जी मिला नहीं है अभी, जो हमने खाना खाया उससे ये मिला, सेल के पास आया, तो सेल के पास ये आ तो गया पर उससे एनर्जी नहीं मिला है। अब क्या चाहिए सेल को? इसको ब्रेक करने के लिए, इस फ्यूल को जलाने के लिए सेल को चाहिए ऑक्सीजन। तो जो हम सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग प्रोसेस, उससे ऑक्सीजन आएगा और ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होके भैया एक तो CO2 निकलेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और साथ में मिलेगी एनर्जी, और वो एनर्जी को बॉडी स्टोर करेगा। कौन सी फॉर्म में स्टोर करेगा उसको? ATP के फॉर्म में स्टोर करेगा। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, उसकी फॉर्म में। सो आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल, पूरा जो चीजें हैं बहुत मैंने क्लियर बता दी कि क्या होने वाला है, कि जो हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस, जो हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस हुआ, उससे हमको न्यूट्रिएंट हासिल हुआ है, और न्यूट्रिएंट यानी मेनली दिस, अब इसको जरूरत है इसको ब्रेक करके और उससे एनर्जी निकालने की, तो उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हम जो ब्रीथिंग प्रोसेस करेंगे, वो ब्रीथिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन आएगा सेल्स के पास, और सेल उसको ब्रेक करके और वो रेस्पिरेशन का रिएक्शन करेगा, जिससे CO2, H2O और एनर्जी ऑब्टेन होगी। बॉडी, या फिर कहो तो सेल, उस एनर्जी को कौन से फॉर्म में स्टोर करेगा? ATP के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो अभी यहीं से याद कर लेना, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है? वो ATP है, ठीक है। एक मिनट में, यस, सो ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। तो यानी कि एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर रहेगी। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नाउ दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम, देखो यहां पर हमको पढ़ना क्या है, इस पार्ट में हमको पढ़ना है एक ये वाला पार्ट, ब्रीथिंग वाला हम यहां पर देख लेंगे। ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, मतलब सेल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और ये जो सेल के अंदर वाला है, सो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दो चीजें हम यहां पर बेसिकली देखने वाले हैं, एक्सटर्नल और ये सेलुलर। एक्सटर्नल में मैकेनिज्म देखो क्या है, कैसे हम ऑक्सीजन हमारा बॉडी लेता है, एग्ज्यूम करता है। सुनाओ देयर, नाक का जो पासेज है, नेजल पासेज, यहां से आगे गया, फिर उसके बाद ये विंड पाइप। विंड पाइप में क्या क्या सिस्टम है? देखो ये फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, देखते जाओ, फेरिंग्स, लैरिंग्स। आपको पता है इसमें से वॉइस बॉक्स कौन सा है, आवाज आती है वो कौन सा वाला वॉइस बॉक्स कौन सा है, फेरिंग्स है कि लैरिंग्स है, जो भी आप बता दो वहां कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है, देखो इस पार्ट को, यहां से यहां तक ये जो ट्रैकिया है, ये दिस इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बेसिकली रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है, ये सी शेप रहता है, सी शेप्ड मतलब है ना, ये देखो ये सी ऐसे रहता है, ये एक रिंग है, नीचे वाला रिंग। तो ये सी शेप क्यों होता है? आगे पतली मेम्ब्रेन लगी होती है, क्यों ऐसे कार्टिलेज से क्यों बना है ये? कार्टिलेज से क्यों बना? अगर पूरा मेम्ब्रेन का बना होता तो हम अंदर खींचते और सांस जब बाहर करते तो सब चिपक जाता, उसके वॉल्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ इट्स वॉल्स, उसके वॉल्स का कोलैप्स होने ना हो, उसके लिए वो किससे बना हुआ है? सी शेप। ना ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा मतलब सवाल आता है इसके ऊपर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वाई दिस ट्रैकिया का इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच इज सी शेप। सी शेप कार्टिलेज से क्यों बना है? टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्स, इसके जो टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्स, तो ये जो इसके वॉल्स है वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, उसके लिए वो वैसे कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज आपको पता है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है नॉर्मल टिश्यू से के कंपेरिजन में। ओके, तो अब इसके बाद देखो, ट्रैकिया के बाद क्या है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए है ना, लंग्स के दो हिस्से, राइट वाला और लेफ्ट वाला। तो ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। तो मतलब देखो, ये ट्रैकिया और ये ऐसे डिवाइड हो गया, तो ये दिस इज वन ब्रोंका, ये इस तरफ का ब्रोंका, ये ब्रोंकाई हो गया। और उसके बाद ब्रोंकाई फर्दर जो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। पहले ट्रैकिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई बना,
और फर्दर वो डिवाइड हुआ तो उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद वो ब्रोंकियोल्स कहाँ ओपन होते हैं, देखो वो ब्रोंकियोल्स ओपन होते हैं, देखो ये ब्रोंकियोल्स है, ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये ऐसे वाले शेप में, विच इज एल्वियोलाई, ये बलून जैसा, मतलब इसी में हवा भरती है, बलून ऐसा बलून जो जिसमें हवा भर रही है। इसका भी शेप नॉर्मल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, ये भी ऐसा है। सो इसका भी कारण वो विली जैसा ही है, कि ऐसा होता तो ज़्यादा एक्सचेंज करने के चांसेस नहीं होते, मतलब ऑब्वियसली इधर एक ऑक्सीजन होगा तो ब्लड वेसल पीछे की तरफ ब्लड वेसल होने वाला है, कैपिलरीज होने वाले हैं, तो ज़्यादा अब्सॉर्प्शन हो सके इसके लिए उसको ऐसा शेप दिया गया। तो याद रखना इस मामले में एल्वियोलाई विली की तरह है, ठीक है। सो दिस इज, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, बलून लाइक, स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, देखो छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर्स क्यों है, ताकि उसका जो एरिया है वो मैक्सिमाइज किया जा सके, और उसके पीछे की तरफ जो ब्लड वेसल्स है, इसके पीछे की तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्प्शन ऑक्सीजन का कर सके, ठीक है। एक और बात कि हम जो सांस लेते हैं ना, एक बार जब हमने सांस लिया और एक बार जब हमने एक्सहेल किया, तो ऐसा नहीं कि वो जो हमने अभी लिया था वो पूरा एक्सहेल हो जाएगा, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एक्सहेल होता है, और जो अंदर है वो कुछ वॉल्यूम अंदर रहता है ताकि वो एक्सचेंज हो सके। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक ही बार में सारा एयर एक्सहेल नहीं करते, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 1/3 एक्सहेल होता है, 2/3 अंदर रहता है, राज्यसभा टाइप, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक पता हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि 2/3 एयर अंदर रहता है, जिससे कि वो अब्सॉर्प्शन को टाइम मिलता है उसको, ओके। और एक और चीज़ जो यहाँ अहम है, देखो ये जो मस्कुलर रॉड है विच इज कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है, ये जो मस्कुलर रॉड है इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और ये मसल ही हमको हेल्प करता है ये चेस्ट को अप करने में और एयर को इनहेल करने में, ये जो मूवमेंट है ब्रीथिंग का, उसमें डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, अब एक और बात कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अब्सॉर्ब होगा, ठीक है, पर हम क्या इनहेल करते हैं, हम क्या एक्सहेल करते हैं, जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग में इनहेल और एक्सहेल दो चीज है, हम क्या इनहेल करते हैं, कोई बोलता है ऑक्सीजन, नहीं, वी इनहेल एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, वी इनहेल एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम एयर, हम चुन चुन के ऑक्सीजन थोड़ी इनहेल करते हैं, ठीक है। सो वी इनहेल एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो ओके, तो यहां पर अब ऑक्सीजन मान लो आ गया, तो ब्लड को कैसे पता चलेगा पीछे की तरफ, एल्वियोलाई पीछे की तरफ जो ब्लड वेसल है उसको कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन को ले जाना है। तो याद रखना ब्लड के, ऑक्सीजन उतना सोल्यूबल नहीं है ब्लड से कि वो डिफ्यूजन प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए ब्लड में एक कंपोनेंट होता है, यू नो ब्लड में आरबीसी है और उसके अंदर है हीमोग्लोबिन, तो सीधे याद रखो ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन कुछ और नहीं है, दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल, वैसे हमारी बॉडी में ये लंग्स से, ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ले जाने के लिए जो ब्लड है, ब्लड के लिए कौन काम कर रहा है, वो ब्लड के अंदर का एक कंपोनेंट हीमोग्लोबिन। तो याद रखना कि हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन, जिसका काम ही है ऑक्सीजन को ले जाना। सो द ऑक्सीजन कैरियर इज बेसिकली द HB और द हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरियर है, तो यहां से हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा। सर क्यों हीमोग्लोबिन की क्या जरूरत है, क्या वो नॉर्मली डिफ्यूजन से नहीं हो सकता क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन? ऑक्सीजन इज नॉट फेयरली सोल्यूबल, उसकी सोल्युबिलिटी कम है, इसलिए यहां पर एक अलग से पिगमेंट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि यहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा रहा है सेल्स के पास, और जब रेस्पिरेशन हो जाएगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ब खुद आएगा, क्योंकि वो अच्छा खासा सोल्यूबल है, सो उसको जरूरत नहीं किसी पिगमेंट की, इट इज सोल्यूबल, उसकी सोल्युबिलिटी अच्छी है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस से आएगा। तो याद रखना ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट,
बट सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट से निकलेगा उसको ले आने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से आएगा. ओके अभी एक्सटर्नल प्रोसेस लगभग हमने देख लिया, अब थोड़ा सेल के अंदर जंप करते हैं. ओके तो यानी कि मैंने लगभग बता ही दिया कि एक तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस से क्या आया, C6H12O6 सेल्स के अंदर. दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैं यहां बता रहा हूं. और अभी हमने ब्रीथिंग करके क्या हासिल किया, ऑक्सीजन. अब इस ऑक्सीजन ये इसको ब्रेक करेगा, मतलब आई विल राइट द रिएक्शन C6H12O6+O2 है ना. कोई फ्यूल को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, तो यहां पर भी ये ऑक्सीजन इस फ्यूल को जला रहा है और इससे CO2, H2O और साथ में एनर्जी निकल रही है भैया. और ये जो एनर्जी है वो स्टोर होनी जरूरी है. तो ये कहां पर होता है, ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया. आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. एनर्जी यहीं पर स्टोर रहेगी. तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली देखो ये कैसे स्टोर होता है. तो हमारी बॉडी में ना ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है एडिनोसाइन, जो एक्चुअली इसके साथ कनेक्टेड होता है 2 फॉस्फोरस. नाउ यू कैन कॉल इट एज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. इसको तुम कह सकते हो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ओके अब ये डाइफॉस्फेट है, एक और फॉस्फोरस ना वेला फॉस्फोरस रहता है यहां पर, तो वो ना यहां पर अटैच कर दिया जाता है. पर कौन अटैच करता है उसको, जो एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हुई है ना, जो एनर्जी रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी यहां पर इस बॉन्डिंग में काम आती है. तो आप देख सकते हो जो एडिनोसाइन के साथ पहले 2 फॉस्फोरस था वो डाइफॉस्फेट था, अब माइटोकॉन्ड्रिया में वो एक और फॉस्फोरस से जोड़ दिया गया, अब ये ट्राइफॉस्फेट बन गया. तो यानी नाउ दिस हैज बिकम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी हो गया. 3 फॉस्फोरस है, सो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अगेन नाउ दिस इज बेटा सब ओके है या फिर बफरिंग है, बता दो यार. एक बार कंफर्म कर दो, बिकॉज यहां पर तो लग रहा है कि सब ओके है. ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म, इज इट ओके. ओके सो ओके है तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है ओके सो यहां पर क्या हुआ कि जो इस रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है, इस रेस्पिरेशन के रिएक्शन में देख सकते हो ये बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है. फोटोसिंथेसिस क्या था, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, उसके अंदर सनलाइट एनर्जी अंदर जा रही थी. वैसे ही बफरिंग हो रहा है यार, ये क्या दिक्कत है. आई होप नाउ दिस इज ओके. मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं बिकॉज यहां पर सब चीजें ओके है, नो बफरिंग. ओके सो यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो एनर्जी क्या हो, स्टोर करना जरूरी है. सो माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फोरस जोड़ के और उसको बनाया जाता है ट्राइफॉस्फेट. तो देखना यहां पर एडीपी राइट विद दिस. ओके एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फोरस जोड़ा गया और इसको बना दिया गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी जो है वो तीसरे बॉन्ड में है छिपी हुई. जब वापस बॉडी को जब जरूरत पड़ेगा ये तो एनर्जी स्टोर हो गई, बट बॉडी को जब एनर्जी यूज करनी होगी तो वापस से ये ट्राइफॉस्फेट टूट जाएगा, डाइफॉस्फेट और फॉस्फोरस अलग हो जाएगा एंड द एनर्जी विल बी यूटिलाइज. तो ये जब डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बनता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है. फिर से जब ट्राइफॉस्फेट जब बॉडी यूज करेगा एनर्जी, तो एनर्जी जब यूटिलाइज होगी बॉडी यूज करेगा तो फिर से वो डाइफॉस्फेट बन जाएगा. फिर जब हम खाना खाएंगे जब प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का तो फिर स्टोर हो जाएगा, डाई से ट्राई बन जाएगा. फिर जब हम एनर्जी यूज करेंगे तो फिर से वो यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है तो ये चीज चलती रहती है. अच्छा अभी मैं जो यहां बता रहा हूं वो तो हो गया. रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं सर,
एक जो हमारे अंदर जो हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। देखो जो हम C6H12O6 जो हमने कंज्यूम किया वो हमारे सेल के अंदर गया साइटोप्लाज्म में, और जाते ही वो ब्रेक हो गया। मतलब जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है पहले वो ब्रेक हो गया 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। सो यानी वो बन गया पाइरुवेट। सर पाइरुवेट का फॉर्मूला क्या है? नो नीड। सो पहले ये सेल में जाते ही पाइरुवेट बना। मतलब मैं यहां पर एक बार में जो स्टेप लिख रहा हूं उसी को ब्रेक करके बताया जा रहा है। तो पहले वो पाइरुवेट बना, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में वो पाइरुवेट गया, वो पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में गया। हमारी बॉडी के ये है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन ये वाला। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक हुआ, और देखो क्या क्या बना है, CO2 और H2O। देखो CO2 और H2O, और साथ में क्या मिला, एनर्जी। और कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बने? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का ये ऐसे बताया गया। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जैसे कि ईस्ट के अंदर होता है ना, फर्मेंटेशन काइंड ऑफ। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो है नहीं, सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक से ब्रेक नहीं हो पाता, फ्यूल जल नहीं पाता, फूड जो है उससे ढंग से एनर्जी निकलेगी नहीं, क्योंकि वो अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ। इथेनॉल C2H5OH, अगेन फॉर्मूला नॉट नीडेड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहां पर देखो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल मिला, जहां एरोबिक में 38 मॉलिक्यूल मिला एटीपी का, वैसे यहां पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल मिला। क्यों सर? क्योंकि यहां ऑक्सीजन ही नहीं था। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में जहां पर ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए उनको, सो उनमें ये प्रोसेस होता है। और सर हमारे अंदर एक और प्रोसेस होता है जो हमारे मसल सेल्स में होता है। ये कब होता है? जब हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो ढंग से वो जो फूड है, वो जो ग्लूकोज है, वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। यहां तक तो होता है, पर उसके बाद वाले प्रोसेस में CO2H वाटर नहीं बनेगा, वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विथ एनर्जी। अगेन दैट एनर्जी इतना ज्यादा नहीं होता, और साथ में वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमारे मसल सेल्स में क्या आते हैं, क्रैम्प्स। जो क्रैम्प्स आते हैं ना खेल कूद करने के टाइम पे या स्विमिंग करने के टाइम पे, हाथ पैरों में जो अकड़न जी हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ जब हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मसल्स के पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, पर फिर भी उसको बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है काम करने के लिए, और ऐसे में वो ढंग से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, फूड ढंग से ब्रेक नहीं होता, और लैक्टिक एसिड से क्रैम्प हमको फील होता है। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद कुछ और बातें जो आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, ये ADP और ATP की कहानी मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। और यहां पर देखो एक और बात क्या बताइए, सो द एनर्जी इक्वलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। ठीक है, तो यहां पर जब ATP ब्रेक होता है तो उसके बारे में बताया जा रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल, देन द यूज ऑफ ATP टू ड्राइव द रिएक्शन व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन। यानी जब ATP ब्रेक करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फोरस अलग होगा, तो इससे जो एनर्जी निकली है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। 1 मोल ATP से 30 किलो जूल तक की एनर्जी जो है वो निकलती है, 30.5 किलो जूल, याद रखना, पर मोल। आगे अच्छा, प्लांट्स का रेस्पिरेशन तो बचा ही था, उसके बाद मेंटी आएगा। सो प्लांट्स के बारे में ये कहा जाता है कि प्लांट्स देखो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, साथ में वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, बिकॉज उनको खुद को भी अपनी बॉडी के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के लिए फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये हम वैसे देखने वाले हैं आगे कि कहाँ वो एनर्जी यूज करता है, ज्यादा नहीं लगती पर कम एनर्जी, पर वो कहाँ लगता है वो हम देखेंगे। फिलहाल प्लांट देखो दिन में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और रात होते ही कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट चेक दिस, दिन में प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है और रात में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है? इसलिए हमको कहा जाता है कि भाई पेड़ों से रात में दूर रहना चाहिए, रात के टाइम पे पेड़ों के पास नहीं होना चाहिए, क्यों वो मैंने बता दिया कि हाँ ये रीजन है, पर ये रीजन क्यों है वो देखते हैं। यहां पर देखो देखो दिन की बात ये है और रात की बात ये है। अब देखो मैंने बताया प्लांट में रेस्पिरेशन भी होता है, तो दिन हो या रात रेस्पिरेशन तो एक ही रफ्तार से हो रहा होगा, और हमारे जितना रेस्पिरेशन नहीं होता प्लांट में, बिकॉज उनको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। हमको हम भाग दौड़ करते हैं, लेक्चर लेते हैं, पढ़ते हैं, हमको एनर्जी चाहिए, बट प्लांट्स डू नॉट नीड दैट मच एनर्जी, बस छोटे मोटे काम के लिए, वो मूवमेंट नहीं कर रहे, सो थोड़ा सा रेस्पिरेशन हो रहा होता है। थोड़ा सा रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन
अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दिया जाता है। ये दिन और रात में रेस्पिरेशन की रफ्तार एक ही होगी, क्यों सर? क्योंकि रेस्पिरेशन लाइट वाइट पे डिपेंड थोड़ी ना करता है कि हाँ डे में अलग रहा है नाइट में अलग। सो रेस्पिरेशन की स्पीड वही रहेगी एंड बिकॉज प्लांट्स को ज्यादा रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, सो रेस्पिरेशन कम रेट में हो रहा होता है। अब देखना असल फर्क कहां पड़ता है, असल फर्क पड़ता है इस फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत धड़ल्ले से होता है दिन में, क्योंकि लाइट है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन बाहर दिया जाता है। तो दिन में देखो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो इसके लिए चाहिए ना वो यहीं से मिल जाएगा इनको रेस्पिरेशन के लिए, और जो CO2 प्रोड्यूस करेगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेगा। तो व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रोसेस जो आपको दिखाई देगा, ये तो छिप गया थोड़ा सा हो रहा है। तो दिन में क्या दिखाई देगा कि प्लांट क्या कर रहा है, भाई फोटोसिंथेसिस सबसे हाई कर रहा है, जिसमें CO2 अंदर जाएगा और क्या छोड़ रहा है, वो क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो हमको लगेगा दिन में प्लांट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे, हाँ दिन में भाई ऑक्सीजन मिल रहा है हमको। रात में क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस ना के बराबर है, नेग्लिजिबल। तो ओवरऑल प्रोसेस जो था दिन में भी, पर अभी प्रोमिनेंट दिखने लगेगा क्या, रेस्पिरेशन, जिसमें वो ऑक्सीजन ले रहा है, जो आपको चाहिए वो ले रहा है, और क्या रिलीज कर रहा है, CO2। तो हमको अच्छा फील नहीं होगा ऑब्वियसली, CO2 ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पर। तो इसलिए ये कहा जाता है कि रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। आगे क्या है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन आ गया, इसका मतलब यह है कि सर अपना मेंटी का टाइम आ गया। सो मूविंग टू द आगे के सवाल, चलो फटाफट जो लोग ज्वाइन है वो तो ज्वाइन है, जो लोग नहीं है वो लोग कर लो फटाफट। मेंटी कोड है 677523, मैं पानी पी लेता हूं, चलो फटाफट। आगे के चार सवाल जो है वो रेस्पिरेशन पे बेस्ड होंगे। एक 1000 लाइक्स हो चुके हैं, वाह क्या बात है। जुड़ गया भाई, स्टार्ट करते हैं मेंटी। क्या मेंटी को शुरू कर दिया जाए, चलो स्टार्ट कर देते हैं। ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगले चार सवाल रेस्पिरेशन पे बेस्ड होंगे। सो वी हैव 470 समथिंग स्टूडेंट। ओके एक्वाटिक एनिमल्स रेस्पायर फास्टर एज, एक्वाटिक एनिमल्स फास्टर क्यों रेस्पिरेशन करते हैं? मैंने पढ़ाया इनडायरेक्टली, मैंने एक्वाटिक का तो पढ़ाया नहीं वैसे, पर इनडायरेक्टली आपको समझ में आना चाहिए वहां पर क्या कारण है। मैंने यस ऑक्सीजन की एक खूबी बताई कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल, ऑक्सीजन जो है वो लेस सोल्यूबल है वाटर के अंदर। सो ऑब्वियसली उनको एनर्जी अगर चाहिए, ऑक्सीजन भरपूर लेना होगा, ऑक्सीजन पानी में ज्यादा है ही नहीं, तो वो फास्ट रेस्पिरेशन करके अपनी ऑक्सीजन नीड को पूरा करते हैं। अगला देखते हैं गाइस, 440 बच्चों ने जवाब दिया था इसका। एंड यस नाउ वी हैव 520 स्टूडेंट्स। ओके स्ट्रक्चरली एल्वियोलाई इज सिमिलर टू, एल्वियोलाई जो है लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज सिमिलर टू न्यूरॉन, विलाई, नेफ्रॉन या फिर पैंक्रियास, किसके जैसा है वो? 420 430, ओहो 450 जो है इसको आंसर कर पाए, जिसमें से यस विलाई इज करेक्ट। विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, हेयर लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई का छोटा छोटा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड टू मैक्सिमाइज द अब्सॉर्प्शन। ठीक है आगे देखें, आगे देखते हैं अगला। अगला देखते हैं, यस डैश इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। 550 बच्चे जुड़े हैं। एनर्जी करेंसी, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी? वेरी सिंपल, वेरी इजी दिस इज। ओके सो वी हैव 520 आंसर्स, और 521 में से 459 लोगों ने सही जवाब दिया है कि
ATP, the adenosine triphosphate, is the energy currency of our body. ठीक है, आगे देखें चौथा और ये आखिरी सवाल इस वाले रेस्पिरेशन वाले पार्ट का. रेस्पिरेशन अकर इन किसमें होता है? रेस्पिरेशन एनिमल्स ओनली, प्लांट्स ओनली, या फिर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या नन ऑफ द अबव. रेस्पिरेशन किसमें होता है? प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, या दोनों में होता है? यस, वेल डन, 511 सही है. रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है. फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है, बट रेस्पिरेशन दोनों में होता है. आई गेस देयर इज सम बफरिंग काइंड ऑफ सिचुएशन. क्या बफरिंग हो रही है? लेट मी चेक, आप लोग कंफर्म करके बताओ बफरिंग है या क्लियर है. टाइप करके बताओ बफरिंग है या क्लियर है. मुझे तो यहां से लग रहा है कि ओके है. अब आप बताओ. बफरिंग ओके, लेट मी चेक. यार मेरे नेट की स्पीड तो एकदम प्रॉपर है. Now I guess all is okay, सब चीज़ें ठीक है मेरे हिसाब से. यस यार, सब ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. आगे देखते हैं, नहीं आगे नहीं देखते हैं, आगे पढ़ते हैं. तो अब बारी आ गई है अपने ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट की. सो जस्ट चेक, लेट्स, ओह ये सब तो हो गया सर जी. आगे हाँ, ये आ गया अपना ट्रांसपोर्टेशन. तो प्लांट्स और एनिमल्स का देखेंगे हम, सॉरी ह्यूमंस का देखेंगे. सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमंस. पहले मैं देख रहा हूं ह्यूमंस के बारे में, ठीक है. तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या CO2 हो या न्यूट्रिएंट्स हो या वेस्ट हो. इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इन सब का ट्रांसपोर्टर है ब्लड. So which is the actual transporter in the body? It is the blood. Blood ही transport करता है. Heart की drawing आनी चाहिए सर, ठीक है. कैसे बनाना है मैंने उसके ऊपर video बनाया है, आप देख सकते हो. तो देख लो अभी heart के जो चार chambers है, आपको पता है कि अपना जो heart है वो four chambers होता है, four chambered heart होता है. अब जो lower वाले part है उसको ventricle कहते हैं, जो upper वाला part है उसको atrium बोलते हैं, ठीक है. ये राइट और ये लेफ्ट, हम अपने बॉडी पार्ट को पढ़ रहे हैं एनाटॉमी में. कभी भी ये लेफ्ट ये राइट नहीं होता, ये राइट हम अपने आप को ऐसे अज्यूम करते हैं. सो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. एट्रियम भी बोलते हैं और या फिर ऑरिकल भी कहा जाता है. देखो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये एक चेंबर हुआ, ये एक चेंबर हुआ, ये वाला राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. ब्लड देखो ऐसे आता है, इम्प्योर ब्लड यहां से आता है. और हार्ट का काम क्या है? देखो ब्लड में जो प्रेशर बनाने का काम है, जो ब्लड में पेस देने का काम है, वो कौन करता है? वो करता है हार्ट. तो बेसिकली यहां पर हमको वर्किंग ऑफ हार्ट ही देखना है कि ब्लड बॉडी में ब्लड को फ्लो कराने के लिए यही काम करता है. यहां से इम्प्योर ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड आता है. देखो ऐसे CO2 वाला ब्लड, ये वेना कावा, लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना कावा. वेन और आर्टरी की कहानी बताऊंगा, पहले इतना समझ लो. यहां से इम्प्योर ब्लड आता है, इधर से ये चेंबर में जाएगा, यहां से फ्लो करके निकलेगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स में ऑक्सीजन मतलब CO2 वाला ब्लड दे दिया जाएगा. वहां से ऑक्सीजन कैरी किया जाएगा, हमने देखा लंग्स में कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है. और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से देखो इधर से एंट्री कर रहे हैं, यहां से गया ऐसे एंट्री किया. अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है यानी प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है.
और यहां से फिर से बॉडी में चला गया फॉर द नेक्स्ट रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, सेल्स में जो है ऑक्सीजन की जरूरत है. देखो CO2 वाला ब्लड ऐसे आया, इधर गया, इधर से फिर लंग्स में गया, CO2 दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया, एंट्री किया ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहां पर गया और यहां से पूरी बॉडी में सेंड कर दिया गया. जिस वेन से, लार्जेस्ट वेन से आता है सो दैट इज वेना कावा, और लार्जेस्ट आर्टरी से निकलता है सो एओर्टा. वेन्स क्या होते हैं? हार्ट के तरफ, जो हार्ट के अंदर ब्लड लेके जा रहा है दैट वेसल इज, वो ब्लड वेसल को अपन वेन बोलते हैं, और जो हार्ट से ब्लड बाहर लेके जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन आर्टरी कहते हैं. ठीक है, ओके. सो अब थोड़ा आगे देखते हैं, और लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करने के लिए जो ये वॉल है इसको सेप्टम कहते हैं, याद रखना. जो लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करता है वो वॉल को सेप्टम कहते हैं. अब देखो, सो नाउ हार्ट, इसका एक ही काम है, ब्लड में पेस या प्रेशर देने का काम है. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एक एजेंट की तरह काम करता है. एक एजेंट की तरह क्या कराता है? देखो, ये हमारा पूरे बॉडी का सेल्स है मान लो, जिनको रेस्पिरेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये लंग्स है. तो देखो ये हार्ट क्या करता है, पूरे बॉडी से थका हारा ब्लड को कैरी करता है. मतलब कैसा ब्लड होगा? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि रेस्पिरेशन के बाद तो CO2 ही निकलेगा. सेल्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 दिया जाता है. तो CO2 निकल के जा रहा है, कहां से जा रहा है? वेन्स के थ्रू. क्या है ये ब्लड वेसल? वेन है, और लार्जेस्ट वेन को वेना कावा बोलते हैं. ठीक है, सो वेन्स के थ्रू, मैं इधर लिख देता हूं वेन. क्यों वेन कहा गया है? क्योंकि हार्ट के टुवर्ड्स, हार्ट के तरफ ब्लड लेके जा रहा है. तो जो हार्ट के तरफ ब्लड लेके जाता है उसको वेन्स कहते हैं. ठीक है, तो ये ब्लड वेसल वेन है. तो यानी इसकी वेन्स के थ्रू कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है. राइट, देखो राइट एट्रियम के अंदर. तो पहली बार इम्प्योर ब्लड कहां से एंट्री करता है? राइट एट्रियम के अंदर. राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में. एट्रियम से वेंट्रिकल में गया. देखो क्या होता है, पहले राइट एट्रियम में ब्लड भरेगा, ये तब तक बंद होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. देखो ऐसे ब्लड यहां जाएगा, यहां आया. और एक बात, वेन्स में ज्यादा प्रेशर नहीं होता. देखो ये ऊपर जो हमको ब्लड वेसल दिखाई पड़ते हैं, ये ऊपर सब वेन्स है. ज्यादा प्रेशर नहीं होता, मतलब जितना आर्टरी में होता है उतना नहीं होता. आर्टरी अंदर होते, बाहर नहीं. सो वेन्स में प्रेशर नहीं होता, इसलिए वहां पर वाल्व्स लगे होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पानी के पाइप में कैसे वाल्व लगे होते हैं, वैसे इनमें भी वाल्व्स लगे होते हैं. ताकि जैसे मान लो ये वाल्व है ऐसे, ताकि ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो पाए, रिवर्स ना जा पाए. एक डायरेक्शन में फ्लो हो पाए, रिवर्स ना जा पाए. ठीक है, तो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये वेन्स में वाल्व्स होते हैं, आर्टरीज में नहीं होते. अच्छा ठीक है, ये CO2 वाला ब्लड यहां पर आया, अब यहां से कहां जाएगा? लंग्स में. तो ये देखो, यहां से ब्लड लेके निकला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड लेके निकला ये वाला यहां से ब्लड, और ये कहां गया? लंग्स में. क्योंकि लंग्स में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस होगा. वहां पर CO2 दे दिया जाएगा और वहां से ऑक्सीजन ले आया जाएगा. देखो यहां से ऑक्सीजन ले आया गया. अब देखो ये ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड लेके निकला है, सो दिस विल बी नॉट कॉल्ड वेन, ये क्या है? आर्टरी है, याद रखना आर्टरी. क्योंकि ये ब्लड लेके निकला है हार्ट से, जो ब्लड लेके निकले, ये देखो यहां दिखाता हूं मैं, ये हार्ट है. अगर ये पाइप ब्लड लेके जा रही है हार्ट में तो दिस इज वेन, और जो ब्लड लेके निकल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टरी. तो ये वेन है क्योंकि ब्लड लेके अंदर जा रहा है, ये आर्टरी है क्योंकि ब्लड लेके बाहर आया, फिर से ये ब्लड लेके अंदर जा रहा है, तो दिस इज अ वेन. सो ये वेन है. पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज करते हैं? लंग्स के लिए. तो वो आर्टरी जो लंग्स से कनेक्टेड है, हार्ट और लंग्स से, सो पल्मोनरी आर्टरी, और जो लंग्स से कनेक्टेड जो वेन है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं. ओके, अब देखो ऑक्सीजन वाला ब्लड, यानी प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहली बार कहां पर एंटर किया है? इस वाले में, यानी लेफ्ट एट्रियम में फर्स्ट बार एंट्री किया उसने, और यहां से ये ऑक्सीजन ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में,
और लेफ्ट वेंट्रिकल देखो इसके वॉल्स कितने मोटे हैं, क्योंकि ये जब पंप करेंगे तो फिर से पूरा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो पूरी बॉडी में जाने वाला है, हर एक जगह पहुंचना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रेशर यहां से अप्लाई करता है ये जो वॉल्स है। अब जब चौथा चेंबर जब ये पंप करता है तो उस कंडीशन को सिस्टोल कहते हैं। प्रेशर कितना होता है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी, और जब ये रिलैक्स करता है तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिवाइस होती है उसको उस कंडीशन को डायस्टोल कहते हैं। और स्फिग्मोमैनोमीटर में कितना मेजर होगा नॉर्मली, दैट इज 80 mm ऑफ मर्क्यूरी नॉर्मल केसेस में। सो नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है 120/80, ये सॉरी हार्ट बीट बोल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक ऐसे बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो ज़्यादा रहेगा 150/130 हो जाएगा, और ये 90 या 100 होगा नॉर्मल ये। और हार्ट बीट की जो साउंड है वो लब डब, हार्ट बीट की जो साउंड है वो है लब डब, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये तो हो गया अपना पूरा हार्ट वाला सिस्टम, वो तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा देखो दो साइकिल हो रहा है, एक हार्ट और लंग्स के बीच में यहाँ वाला एक साइकिल है, और एक हार्ट और बॉडी के बीच में या सेल्स के बीच में। इसलिए हमारे अंदर जो सर्कुलेशन होता है ये एक सर्कुलेशन और ये एक सर्कुलेशन, सो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन या व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन तो समझ में आ गया। एक क्योंकि वन साइकिल द हार्ट कंप्लीट्स वन ब्लड साइकिल विथ लंग्स एंड अदर ब्लड साइकिल विथ रेस्ट ऑफ द सेल्स, सो दैट इज इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सेम चीज यहां बताई गई है। अब यहां पर ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं भाई। ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज। मैंने बताया कि जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाते हैं उसको वेन कहते हैं, और जो हार्ट से ब्लड लेके निकलते हैं उसको आर्टरी कहते हैं। और उसके बाद आर्टरी जब छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होता है बहुत पतले पतले ट्यूब्स में, क्योंकि सेल्स से वहां पर एक्सचेंज करना है, तो ये पतले ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज, और फिर से कैपिलरीज जब इकट्ठा होंगे तो वो क्या बनेंगे, वेन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्टरी जो ब्लड लेके निकला जो डिवाइड हो गया पतले ट्यूब्स में, एक सेल की थिकनेस होती है, एक सेल की थिकनेस, बहुत पतला ट्यूब होता है, दोज आर कॉल्ड कैपिलरीज। और फिर से ये इकट्ठा हो गया तो ये बन गया वेन, ठीक है, आर्टरीज कैपिलरीज वेन। एक चीज और समझ लेना कि बॉडी के सारे वेन इम्प्योर ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड कैरी करते हैं, सिर्फ एक वेन को छोड़ के, एंड दैट इज द पल्मोनरी वेन। देखो बाकी सब वेन जो है वो CO2 कैरी कर रहे हैं, सिर्फ जो लंग्स से कनेक्टेड है वो वेन है पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। ऐसे ही सारी आर्टरी बॉडी की ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। लॉजिक सिंपल है क्योंकि वहीं पर प्यूरिफिकेशन के लिए जाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, और सबसे बड़े वेन को वेना कावा बोलते हैं, सबसे बड़े आर्टरी को आयोटा कहते हैं। तो ये जो है ये वेना कावा है और ये वाला जो है ये आयोटा है, ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, आपको ज्यादा लॉजिकल यहाँ पे समझ में आएगा। दिस इज वेना कावा, देखो यहां से भी आ रहा है ये एक, ये इंफीरियर ये सुपीरियर, ये बॉडी के नीचे से ला रहा है CO2 वाला ब्लड, ये ऊपर से, इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा। ऐसे ही जो ब्लड लेके निकला मोटा वाला आर्टरी दैट इज कॉल्ड एओर्टा। आगे देखते हैं, अब वेन आर्टरी कैपिलरी समझ में आ गया। वाल्व्स क्या करते हैं, मैंने बताया टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वेन्स के अंदर वाल्व रहता है बिकॉज वेन्स में प्रेशर नहीं होता या कम होता है, प्रेशर नहीं होता ऐसा नहीं है। आर्टरीज डिवाइड इंटू एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस, और जिनको हम क्या बोलते हैं कैपिलरीज कहते हैं, बहुत छोटे जो ब्रांचेस हैं इनको कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है वो भी आ सकता है, देख लो। सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन एंड वाला ब्लड, वेन्स कैरी डी ऑक्सीजन मतलब CO2 वाला ब्लड, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि वो लंग्स से कनेक्टेड है, वहां पर कैलकुलेशन उल्टा है, ठीक है। और यहां पर भी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आर्टरीज क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं। वेन्स क्या करते हैं, सभी ब्लड को वापस कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाते हैं, सो कलेक्टिंग वेसल है। आर्टरीज मोटे होते हैं और ज्यादा इलास्टिक होते हैं, कारण क्या है, क्योंकि वो उसमें ब्लड का प्रेशर सबसे हाई रहेगा तो मोटा और इलास्टिक होना जरूरी है। वेन्स थोड़े पतले होते हैं कंपेरेटिवली और कम इलास्टिक होते हैं, और देख सकते हो वेन जो है हमको ऊपर की तरफ जो दिखते हैं वो वेन होते हैं जिसमें इंजेक्शन पड़ता है,
सो वेन्स आर सुपरफिशियल या नियर टू द स्किन, लेकिन आर्टरीज अंदर की तरफ होते हैं, डीप इनसाइड, डीप सीटेड. क्यों? क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, अगर कुछ कट बढ़ गया तो पूरा ब्लड ऐसे खतरनाक तरीके से फ्लो हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं गाइस. ब्लड, ब्लड के बारे में कुछ बताया जा रहा है. ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, ये हमने नाइन्थ में पढ़ा है. ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू है ऑब्वियसली, इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लिम्फ है. आरबीसी क्या होता है? मैंने बताया हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है. ठीक है, और जो ब्लड में रेड कलर है वो इसी आरबीसी की वजह से होता है. डब्ल्यूबीसी हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो एंटीबॉडीज तैयार करता है वो डब्ल्यूबीसी है. प्लेटलेट्स, हमको अगर इंजुरी हो गई, कहीं कट गया, जख्म हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स काम करता है. ठीक है, और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वो मीडियम है जिसके अंदर सारी चीजें, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भरा हुआ है. ठीक है, सो प्लाज्मा इज द येलोइश कलर फ्लूइड जो 90% वाटर कंटेन करता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस. आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में कोई ना कोई मीडियम होता है, यहां पर प्लाज्मा इज द मीडियम. ये इंपॉर्टेंट है, यूनिक है. लिम्फ, लिम्फ क्या होता है सर? तो देखो कि ब्लड आया तो सही है, कैपिलरीज है यहां पर, मान लो ये कैपिलरी है. अब इसके पास ऑक्सीजन है, ब्लड के पास इसके पास न्यूट्रिएंट है, और ये देना है सेल्स के पास. ये सेल्स है मान लो, सो दीज आर सेल्स. ये इंटरसेलुलर स्पेस है, अगर खाली होगा तो काम नहीं चलेगा. तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में, एक मिनट, इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है, जो ब्लड से ही आया है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ. ये ब्लड के अंदर भी है. ठीक है, लिम्फ. और इसका काम क्या है? ये जो एक्सचेंज है, ये जो ऑक्सीजन लेना, CO2 है ना, सेल्स को देना और फिर सेल्स से CO2 ले जाना, सो सेल्स और कैपिलरीज के बीच में जो चीजों का एक्सचेंज होने वाला, उसमें ये हेल्प करता है. सो लिम्फ इज अ येलोइश फ्लूइड विच एस्केप फ्रॉम ब्लड, ब्लड से निकला हुआ है. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज से, एंड कहां भरा हुआ? इंटरसेलुलर स्पेसेस में. इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड. ब्लड में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, इस वाले में, लिम्फ में प्रोटीन कम होता है. और उसका और काम क्या है? देखो, इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट विच हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स. दो काम है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, और जर्म्स को मारने के लिए भी लिम्फ का बहुत बड़ा रोल है. तो ये चीज ध्यान रख लेना. और अब हम इसके बाद, यस, हमारा तीसरा पार्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन बचा है इसके, इसका, प्लांट्स का. तो ये देख लेते हैं, प्लांट्स में दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक है वाटर मिनरल और दूसरा है फूड. अब वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमको पता है, जाइलम. ठीक है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम. फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कौन सी वेसल होता है? दैट इज फ्लोएम. सो यहां वाटर मिनरल के लिए जाइलम, फूड के लिए फ्लोएम. अच्छा, यहां पर दो प्रोसेस है जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एक है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है रूट प्रेशर. ट्रांसपिरेशन तो आपको पता है कि जो पानी का ड्रॉपलेट्स या जो पानी लॉस होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट से, जैसे इवेपोरेशन जैसा कह सकते हो, सो दैट इज अ ट्रांसपिरेशन. दिस इज लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट. तो सर, लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है वो देखो. अब मान लो कि यहां से पानी लॉस हुआ तो इधर वैकेंसी बन जाएगी. जहां से वाटर लॉस हुआ उधर एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? वैकेंसी बन जाएगी, वाटर तो निकल गया. तो अगला जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगले सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा. जो नॉर्मल ऑस्मोसिस है उसमें यही होता है. फिर अगर वो हाई से लो में गया तो इधर तो वाटर मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन जहां से वो आया उधर पे क्या बन गया? फिर से वहां वाटर का कमी हो गया, मतलब उधर वैकेंसी बन गई. अगर उधर वैकेंसी बन गई तो आगे वाला वाटर उसमें जंप करेगा, आगे वाला वाटर वहां गया तो यानी फिर वैकेंसी कहां शिफ्ट हो जाएगी? इधर, ये खाली हो जाएगा. तो ऐसे करते हुए ये शिफ्टिंग धीरे धीरे क्या होती जाती है? ये होती जाती है आगे आगे, और ऐसा करते हुए लास्ट में वैकेंसी कहां बन जाएगी? रूट्स की तरफ. और अगर यहां वैकेंसी बन गई तो क्या करेगा? जो प्लांट है वो वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा सॉइल से. इस तरीके से वाटर अब्सॉर्ब भी हो रहा है और धीरे धीरे वो ऊपर शिफ्ट भी हो रहा है.
ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो वाटर लॉस है वो इनडायरेक्टली वाटर को शिफ्ट भी करते जाता है, बिकॉज वैकेंसी बनती जाएगी लो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से, नीचे से धीरे धीरे पानी जो है ऊपर मूव करता जाएगा. दिस इज ट्रांसपीरेशन. ये बहुत ही बेसिक ऑस्मोसिस तरीके से हो रहा है. लेकिन जो रूट प्रेशर है यहाँ पर, मैंने बताया था आपको प्लांट में कुछ जगह ऐसी है जहां पर वो प्लांट अपनी एनर्जी खर्च करता है, तो ये उसमें से एक जगह है रूट प्रेशर. अब देखना रूट प्रेशर क्या है. रूट प्रेशर में देखो, इसको वाटर भी अब्सॉर्ब करना है और मिनरल या फिर सॉल्यूट भी, मिनरल या आयंस भी. तो पहले ये क्या करता है रूट्स, फर्स्ट स्टेप में ये आयंस को अब्सॉर्ब करता है. आयंस यानी कि मिनरल्स हुए, मिनरल्स को वो अब्सॉर्ब करता है. पर बिना मतलब कैसे हो सकता है सर ये, बिना मतलब अगर कोई काम करना है तो एनर्जी लगेगी. इस प्रोसेस में प्लांट को एनर्जी लगती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम, इस अब्सॉर्प्शन को हम नाम देंगे एक्टिव अब्सॉर्प्शन. याद रखना एक्टिव अब्सॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. जब भी एक्टिव वर्ड यूज हो गया ना, मतलब प्लांट ने अपनी एनर्जी यूज करी है, यानी अपनी एटीपी यूज करी है. ठीक है, तो ये पहला जो प्रोसेस है, आयंस सॉइल में से जो अब्सॉर्ब हुआ, सॉइल से आयंस जो रूट्स के अंदर गया, ये नॉर्मल अब्सॉर्प्शन नहीं है, ये एक्टिव अब्सॉर्प्शन है. बहुत चालाकी से इसने आयंस को अब्सॉर्ब किया एनर्जी खर्च करके, क्योंकि इसको वाटर, वाटर भी वो ऐसे एक्टिवली कर सकता है पर जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अंदर आयंस की अमाउंट ज्यादा हो गया, एक बार अंदर जो है वो सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्यूट या कह लो या आयंस कह लो, एक बार अंदर आयंस हाई हो गया, अंदर ज्यादा आयंस हो गए, तो ऑब्वियसली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. तो वाटर कहां से, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अपने आप वाटर जो है वो सॉइल से अपने आप अंदर जाएगा. क्यों, क्योंकि अंदर आयंस ज्यादा हो गए, आयंस ज्यादा हो गए तो रिलेटिवली वाटर कम हो गया. सो ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, ऑस्मोसिस, या ज्यादा स्पेसिफिक कहो तो एंडो ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से वाटर जो है वो रूट्स के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा. क्या हुआ देखो रूट प्रेशर में, प्लांट्स ने, उसको दोनों चीज चाहिए, रूट्स को आयंस भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, आयंस यानी मिनरल्स. तो आयंस उसने कैसे अब्सॉर्ब किया, एनर्जी को खर्च करके, अपनी एनर्जी स्पेंड करके आयंस अब्सॉर्ब किया. इसके लिए इस अब्सॉर्प्शन को एक्टिव अब्सॉर्प्शन कहा गया, बिकॉज यहां एटीपी खर्च हुआ है. और सेकेंड स्टेप में क्योंकि आयंस अंदर ज्यादा हो गए, अपने आप लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बन जाएगा, क्योंकि दो चीजें हैं, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है. अगर सॉल्यूट कम हो गया तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी सॉल्यूट हाई हो गया, आयंस हाई हो गए तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम यानी वाटर का कम हो गया, तो ऑब्वियसली अपने आप वाटर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉइल से रूट में ऑस्मोसिस हो जाएगी और वाटर भी अब्सॉर्ब हो जाएगा. सो दैट इज, दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड रूट प्रेशर. ट्रांसलोकेशन क्या है सर, अब देखो यहां पर ना इसको बताना थोड़ा मुश्किल है. ट्रांसलोकेशन वैसे डायरेक्टली एक बात याद रखो, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. फूड का ट्रांसपोर्ट को, प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको यहां दिखाता हूं. अब एक बात समझो कि दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट और ये कंफ्यूजन भी कर सकता है, थोड़ा ध्यान देना. अब मान लो कि ये पत्ता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं. तो मान लो ये पत्ता है, ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रीन पार्ट, और ग्रीन है तो यहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही. अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा मतलब यहां पर भरपूर फूड है. अच्छा, फूड के लिए हम यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे, सुक्रोज, याद रखना सुक्रोज, मतलब ये एरिया में भरपूर ग्रीन पार्ट है तो फूड होगा ही, ठीक है. और ये मान लो यहां पर मैं एक एरिया बनाता हूं जो नॉन ग्रीन है, यहां पर जो हिस्सा है दिस इज नॉन ग्रीन, सपोज दिस पार्ट इज नॉन ग्रीन, तो अब फूड को कहां से कहां सेंड करना है आपको पता है, प्लांट्स फूड कहां से कहां सेंड करता है, फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन. इसको फूड यहां से उस सुक्रोज को यहां से ट्रांसपोर्ट करना है इधर पे. अब ये कैसे होगा ये ट्रांसपोर्ट, वो फूड वो देखना, ग्रीन से नॉन ग्रीन. सो ट्रांसलोकेशन का मतलब है, ट्रांसलोकेशन का मतलब है फूड का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स, फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स. ठीक है, अब देखो यहां पर ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है फोटोसिंथेसिस वाला, यहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ग्रीन पार्ट है.
ठीक है। तो अब ये पहला स्टेप क्या करता है, पहला स्टेप है ना, यहां से सुक्रोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने मतलब आपको पता चल चुका है क्या है, मतलब प्लांट अपना एटीपी खर्च करता है ये काम करने में अपने नियर बाय फ्लोएम टिश्यू। देखो ये जाइलम है, जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहां पर भरपूर वाटर है, सॉइल से ऊपर जा रहा है वाटर, इससे हमको इतना मतलब नहीं पर ये यूज होगा इसमें, देखना। तो ये ब्लू कलर के वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये H2O है, और जो ये रेड कलर है ये मैंने सुक्रोज के लिए दिखाया, दिस इज सुक्रोज। तो यहां से ये ग्रीन पार्ट है और मान लो यहां पर नॉन ग्रीन है, तो ये फूड को इधर से इधर सेंड करना, देखो कैसे होगा। फिलहाल पहला स्टेप मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहां से सुक्रोज एटीपी खर्च करके वो नियर बाय फ्लोएम में सेंड कर दिए जाएंगे इधर से इधर। देखो मैं इसको आपको प्ले करके बताता हूं, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर, देखो ये तो वाटर नॉर्मली जा रहा है अपना रूट से ऊपर की तरफ। अब देखो यहां से ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एनर्जी खर्च करके सुक्रोज यहां सेंड कर दिया गया। अब ये क्या हो गया, देखो यहां सॉल्यूट हाई हो गया, वाटर कम हो गया, सो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर यहां से यहां जाएगा। देखो वाटर यहां से यहां जाएगा क्योंकि यहां वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, देखो ब्लू वाले कम दिख रहे हैं क्योंकि यहां से सॉल्यूट आ गया, सुक्रोज आ गया, सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है जिसकी, देखो यहां से अब देखो वाटर आया, जैसे ही वाटर आ गया अब देखो ये हाई प्रेशर बन गया, वाटर भी ज्यादा है सुक्रोज भी ज्यादा, हाई प्रेशर बन गया। अब ये लो प्रेशर है, यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और इसको यहां से यहां सेंड करना, देखो कैसे आएगा, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर बन चुका है यहां पर, वाटर भी ज्यादा है सुक्रोज भी ज्यादा है। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा, देखो प्रेशर फ्लो होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा। ओके देखो ये हाई से लो प्रेशर में गया, और जो सुक्रोज है, अब क्योंकि यहां पर तो सुक्रोज है नहीं, तो ये हाई कंसंट्रेशन है सुक्रोज का, एक सेकेंड, ये सुक्रोज का यहां पर हाई कंसंट्रेशन है और यहां लो कंसंट्रेशन है, तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। हम वापस पहले आ गए, अब देखो यहां पर सुक्रोज आ गया है, नाउ दिस इज लो कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, सो सुक्रोज क्या आएगा, हाई से लो में फ्लो करेगा, यानी डिफ्यूजन होगा, सुक्रोज का डिफ्यूजन, देखते जाओ। यस, देखो यहां पर जरूरत थी उसकी सुक्रोज की, यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उम्मीद है, एक बार और चाहिए तो मैं आपको बता दे, देखो यहां शिफ्ट हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक्टिवली ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन में सेंड करना है, ग्रीन पार्ट्स ने एटीपी यूज करके यहां पर सुक्रोज सेंड कर दिया, और सुक्रोज सेंड करने के बाद अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन बन गया सुक्रोज का, लेकिन वाटर कम हो गया, तो वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो जाइलम नियर बाय जाइलम से वाटर फ्लोएम के अंदर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल एक बार जब यहां अंदर आ गया, देखो एक बार अंदर आ गया, तो अपने आप ये वाला एरिया बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर, ये वाला है लो प्रेशर, तो जब यहां पर लो प्रेशर है तो हाई से लो में क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें फ्लो करेंगी, और एक बार ये फ्लो हो कर गया तो फिर ये नॉन ग्रीन पार्ट है, यानी यहां सुक्रोज कम है, सुक्रोज हाई से लो में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं गाइस, और आगे का मतलब ये कि अपन करेंगे मेंटी, एंड शायद थोड़ा लेंथ ज्यादा चला गया यार वीडियो का, शायद मतलब सच में ज्यादा चला गया, बहुत ज्यादा, बट आई थिंक कि अब कंप्लीट ही कर लेते हैं। आप लोग कनेक्टेड हो, आगे देख लें। यस, पहला अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है, इसको आंसर करते जाओ, चलो मैं देख लेता हूं, कोई इश्यू तो नहीं है। यस, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम, ब्लड के अंदर क्या फ्लूइड मीडियम है बता दो एक बार फटाफट। ब्लड के अंदर कौन सा फ्लूइड मीडियम है, लिम्फ, प्लेटलेट, प्लाज्मा या फिर ऑल ऑफ दीज, एंड द आंसर इज यस, प्लाज्मा ऑफ कोर्स। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज द ओनली वेन दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज,
वो अकेला वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है, नॉर्मली वेन्स में CO2 होता है. सो आउट ऑफ 300 और 349, वेरी गुड, 297 आर करेक्ट. दैट इज पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से कनेक्ट करता है हार्ट को. अगला सवाल, लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड, लार्जेस्ट वेन को क्या बोलते हैं? वेना कावा. ओह, ये तो मैंने बता दिया यार. लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड, ये तो रिफ्लेक्स में निकल गया, पल्मोनरी वेन, वेना कावा, एओर्टा. सो यस, 315 लोगों ने आउट ऑफ 385 करेक्ट दिया है. अगला सवाल, और यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, ये इसका आखिरी सवाल है, उसके बाद लास्ट में एक्सक्रीशन का. प्लांट्स के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, ग्लाइकोरेशन, या ट्रांसलोकेशन, या फैगोसाइटोसिस, क्या है वो? 400 बच्चे इसको मतलब करीब आंसर कर रहे हैं, जिसमें से यस 338, मतलब जो मेहनत है वो काम आ रही है, आर करेक्ट. अब हम आगे के जो लास्ट के चार हैं उसके बाद अपना विनर अनाउंस होगा. तो लेकिन हम पहले एक्सक्रीशन को कंप्लीट कर लेते हैं भाई. कम ऑन, लेट मी फिनिश दिस एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉर्मली एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, पर ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट. रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, क्योंकि जो हम एक और वेस्ट हमने कहाँ देखा था? डाइजेशन वाले में, जो उसमें फूड से बना हुआ वेस्ट है वो यूजलेस वेस्ट है. पर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो यहाँ तैयार होता है वो कैसा है? वो हार्मफुल वेस्ट है. क्यों हार्मफुल वेस्ट है? क्योंकि देखो, हमारा हर एक सेल बना है प्रोटीन से. सेल किससे बना हुआ है? प्रोटीन से. प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन. तो जब सेल डैमेज होता है, सेल जब वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो सेल के वेस्ट में ज्यादा क्या होता है पता है? अपने सेल के वेस्ट में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, मेनली यूरिया. तो ये जो यूरिया है ना, ये जहरीला है, दिस इज पॉइजनस. तो याद रखना, इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, जो हम ह्यूमंस के केस में देखेंगे. अच्छा, हमारे एक्सक्रीशन के सिस्टम में ये है, किडनी है, ये अपना रेनल वेन, रेनल आर्टरी, यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा. ठीक है, ये पार्ट्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम में. और हमारे किडनी में ऐसा क्या है जो एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से यूरिया को अलग करता है? तो ऐसे स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन कहते हैं. सो दीज आर द अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स. एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन तक होते हैं. सो दो किडनी में 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स, कमाल है. ठीक है, ये देख लो एक बार सिस्टम. तो बहुत आसान है. अब क्या होता है, देखो, जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर मतलब जिसमें यूरिया है, ऐसा वाला वेस्ट वाला जो ब्लड है वो रेनल. अब रेनल, जैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, वैसे किडनी के लिए रेनल. तो यहां पर रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें यूरिया है, किडनी में जाएगा वो ब्लड. उसमें जो वेस्ट है यूरिया वाला पार्ट, वो यूरेटर से ब्लैडर में सेंड कर दिया जाएगा फॉर एक्सक्रीशन. और जो बाकी प्यूरिफाइड ब्लड है वो यहां से रेनल वेन से वापस सेंड कर दिया जाएगा. पर किडनी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो प्योरिफिकेशन हो रहा है? नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं वो हमको यहां देखना है. तो देखो, छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्लड जो है, ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है. ये जो स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है आपको, ऐसा वाला, ठीक है, दिस इज नेफ्रॉन. ओके, तो ये जो है, मतलब यहां तक, ये देखो, ये वाला ही एक नेफ्रॉन है. सो ये नेफ्रॉन में देखो, यहां से ब्लड आया एफेरेंट. आई विल जस्ट रब दिस. ओके, सो यहां से ब्लड एफेरेंट से, जो कि एक मोटी ट्यूब है, यहां से ब्लड एंटर कर रहा है. छोटे छोटे कैपिलरीज, ये किडनी के अंदर हो रहा है. ब्लड एंटर किया, ये कैसा है? इम्प्योर ब्लड है, इसमें यूरिया है. ठीक है, यहां से एंट्री किया. दिस पार्ट इज ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. और ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं. ठीक है, तो यहां से एंट्री किया,
टेक्स्ट बुक में बहुत ही खतरनाक डायग्राम दिया है, सो दिस इज बेटर, ये मैंने ड्रॉ किया था उसके लिए मैंने निकाल दिया। सो अब यहाँ से ब्लड देखो आ तो रहा है और ये घूम फिर के ब्लड वापस एक पतले ट्यूब से निकल जाएगा, पर आप देखो ये मोटे ट्यूब से एंटर किया और पतले ट्यूब से बाहर जाएगा, दिस इज कॉल्ड एफेरेंट। जहां से ब्लड अंदर जा रहा है वो एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल है और जहां से निकल रहा है वो एफेरेंट, ये पतला है। तो क्या होगा, मोटे ट्यूब से जा रहा है पतले ट्यूब से निकल रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होगा और इस वजह से ब्लड के प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीजें थ्रो कर दी जाएंगी इस वोमेंस कैप्सूल में, बहुत सारा वेस्ट थ्रो कर दिया जाएगा। पर वेस्ट के साथ साथ यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें यूरिया ही थ्रो होगा, इस प्रेशर की वजह से काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी थ्रो हो जाएंगी। सो अलॉन्ग विद यूरिया यहां पर अमीनो एसिड भी होता है, उस जो वहां से निकला हुआ है उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स भी होते हैं और कुछ वाटर भी होता है। तो अब ये वेस्ट है, बाकी सब थोड़े ना वेस्ट है, ये तो यूजफुल चीज है, हमने फूड से कंज्यूम किया है, फूड से ऑब्टेन किया है इसको। तो अब क्या होता है, यहाँ पर सीलियाज होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिससे कि ये पार्टिकल्स यहाँ थ्रो कर दिए जाते हैं। अब इस पार्टिकल में यूजफुल चीजें वापस ब्लड लेने के लिए, देखो यहां से ये ब्लड कैपिलरी ये देखो ऐसे घूम के कॉइल कर रहा है इस हिस्से को, ताकि जो यूजफुल चीजें हैं उसको वापस रिटेन कर सके। तो कौन सी चीजें यहां पहले रिटेन हो जाती है, सबसे पहले ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड, ये जो है ये यहां पर रिटेन हो जाता है, सेलेक्ट करके इसको कैपिलरी वापस अब्सॉर्ब कर लेता है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यूरिया फेंकना है ना, यूरिया को थ्रो करना है, ये सब थोड़ी थ्रो करना है। तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड अब्सॉर्ब हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और जो बाकी चीजें हैं वो आगे जाएंगी। दिस पार्ट, ये जो यूट्यूब दिख रहा है ना आपको, ये नेफ्रॉन का हिस्सा है, इसको कहते हैं हेनली लूप, हेनलीज लूप। हेनलीज लूप में कुछ और चीजें यानी क्या क्या है इसके अंदर, सॉल्ट और वाटर, बॉडी को नीड कितना जरूरत है सॉल्ट और कितना वाटर का, उस हिसाब से चीजें यहां पर हेनलीज लूप अब्सॉर्ब कर लेता है। हेनलीज लूप से हेनलीज अब्सॉर्ब नहीं करता, ये जो ब्लड वेसल्स है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं वाटर। जैसे गर्मियों के मौसम में बॉडी जो है ज्यादा पानी को पसीने में थ्रो करता है, इसलिए यहां बॉडी यहां से पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। और जो चीज यहां से निकलेगी दैट विल बी मेनली यूरिया अलोंग विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन से ऐसा जो वेस्ट है वो कलेक्ट होगा और किडनी उसको कलेक्ट करके यहां से इस बैग में जमा कराएगा और फिर यहां से ये थ्रो हो जाएगा। ज्यादा पानी पीना इसलिए जरूरी है कि अच्छे से ये हिस्सा फ्लश होता रहे और किडनी स्टोन और इन्फेक्शन जैसी शिकायतें जो है वो ना हो। सो बहुत सिंपल था, एफेरेंट मोटा, एफेरेंट पतला। तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा, ब्लड देखो यहाँ से आया घूम के गया, मोटे से आया पतले से निकल रहा है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पर और प्रेशर की वजह से काफ़ी चीज़ें थ्रो कर दी जाएंगी अगले साइड ट्यूब में, और ट्यूब में वापस से ब्लड कैपिलरी यहाँ पर क्या करेगा, अच्छी चीज़ों को अब्सॉर्ब कर लेगा, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और यहाँ पर सॉल्ट और वाटर अब्सॉर्ब होगा हेनली लूप में, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी इज मेंटेन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस। अच्छा बस ये लास्ट है गाइस एंड दैट विल बी डन, यस ऑलमोस्ट खत्म है ये। प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है उसमें बस सिंपल सी बात है कि प्लांट्स ऑक्सीजन थ्रो करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस करता है, उसके पत्ते जो झड़ते हैं उसमें डेड सेल्स निकल जाते हैं, और सेलुलर सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें भी वेस्ट जमा होता है। ठीक है, उसके जो रेजिन्स और गम्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेस्ट। कुछ प्लांट्स में से ऐसा देखो ये मिल्क सेक्रीशन निकलता है वो भी उसका वेस्ट है। तो ऐसे करके प्लांट जो है कई सारी चीजें, रूट से भी कुछ चीजें वो थ्रो कर देता है, प्लांट्स में ये सब उसके वेस्ट है। अब अगर ये हो गया है तो नाउ वी कैन डायरेक्टली, बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत एक्सीड हो गया है, तो अब यहां पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कम ऑन गाइस। और पहला सवाल देखते हैं फटाफट फटाफट गाइस, फटाफट ज्वाइन कर लो, पहला सवाल देखते हैं। कोड आपको पता है जो ऑलरेडी चल रहा है अभी, 677523। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, चार सवाल उसके बाद विल बी हैविंग द आंसर्स, लीडर बोर्ड आ जाएगा। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम वेस्ट, कौन सा प्रोसेस है ब्लड में से, ये टेक्स्ट बुक अगर किसने पढ़ा होगा तो ये आंसर कर पाओगे, क्या प्रोसेस है ब्लड को क्लीन करना वेस्ट से, दैट प्रोसेस इज डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस टेक्स्ट बुक में देखना, एक ऐसी मशीन भी आती है जो किडनी का काम करती है, ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको अलग करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन फोकस. हमारे पास अभी भी 350 मतलब 450 बच्चे आसपास आंसर कर रहे हैं इसको. द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज, क्या होता है? नेफ्रीडिया, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, किडनी. द एक्सक्रीटरी यूनिट, जैसे यूनिट बोला है ना, तो आप समझ लो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे एक यूनिट कौन सी है जो किडनीज के अंदर होती है. यस, दैट इज नेफ्रॉन. वेल डन गाइस, द अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट, क्या बात है. अगला सवाल, डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? किडनी, एनस, यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेटर, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ, नॉट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड आई थिंक काफी बच्चों को आंसर पता चल चुका है. वेरी गुड. ये एनस जो है ये एलिमेंट्री केनल का हिस्सा है जिससे सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट होता है. एक्सक्रीटरी में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये आते हैं. ओके, अब यहां पर आखिरी सवाल, उसके बाद लीडर बोर्ड्स. वाह, देखते हैं भाई इतना लंबा सेशन में कौन जीता है आज. सो हेमोडायलिसिस इज डन बाय, अगेन वो जो टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम है, हेमोडायलिसिस इज डन बाय आर्टिफिशियल हार्ट, पेसमेकर, आर्टिफिशियल किडनी या फिर यूरेटर. कौन करता है हेमोडायलिसिस? सो वी हैव सम 381 आंसर्स, आउट ऑफ विच वेरी गुड, जो ऐसी आर्टिफिशियल मशीन होती है हेमोडायलिसिस करती है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल किडनी है, जिसका किडनी खराब हो जाता है. ऐसे केस में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, वेस्ट को निकालने के लिए, हार्मफुल वेस्ट को, ये चीज करनी पड़ती है. नाउ वी हैव अ सेकेंड एंड विल बी हैविंग, एक सेकेंड में अपने पास रिजल्ट होंगे, सो जस्ट होल्ड ऑन. ओके, सो नाउ 929 लोगों में राघव महावर, मनन का दोस्त, जीते हैं, बहुत टाइम जीतते हैं. साक्षी मिश्रा, डॉक्टर एविल, अविरल, धर्म और कौन है? धर्म के बाद है वोल्फ मिस्टर, टैको और जोहाना, जॉनी और शैमी. ठीक है, तो यहां पर अपने पास यस राघव महावर, मनन का दोस्त, ठीक है, तो आप जीते हो. और टॉप 10 में जो भी लोग आए हैं, और सिर्फ टॉप 10 में नहीं, वी हैव अराउंड 1000 स्टूडेंट्स वी हैड, तो 1000 में से जो अगर टॉप लाइक 500 भी आए हो तो भाई एंजॉय करो, अपनी अपनी रैंक्स बता देना. एंड यस, सेशन थोड़ा लंबा हो गया, मतलब काफ़ी लंबा हो गया. 5 बजे से सेशन शुरू हुआ, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आई और उसके बाद में फिर यस अभी कंप्लीट कर लिया फाइनली. अब बात यह है कि भाई लंबा गया है तो आपको काफ़ी टाइम ऐसा हुआ होगा जो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, या काफ़ी लोगों का इंटरनेट ब्रेक हुआ होगा, बफरिंग हुई होगी, तो आप इसको अब रिकॉर्डेड में जब जाएगा तो आप देखो, बुक पढ़ के साथ इसको मैच कर लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, मैंने अपना कोशिश किया. अब जो भी चेंजेस है, जो भी कुछ दिक्कतें हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं. ठीक है, ऑब्वियसली आई ऑलवेज फाइंड कि मैं अपने आप में लर्निंग में हूँ, तो दिक्कतें या गलती जो है वो होती रहती है, आप ज़रूर बताना. ओके, एंड यस, गुड इवनिंग. एंड उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया. चलो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर. और लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना. मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय.